चलिए जुड़ तो गया यार। यस तो नमस्कार दर्शकों, आप देर स्वागत है एक ऐसे कलाकार जिन्हें हम करीब 34 वर्षों से टेलीविजन में देखते आ रहे हैं, और एक ऐसा टेलीविजन धारावाहिक पापा जी का रामायण, जिसमें इतनी बड़ी भूमिका सर की शत्रुघ्न, इतनी बड़ी कालजयी भूमिका निभाने वाले कलाकार समीर रादा जी हमारे साथ है इस समय लाइव, और आप हमें देख रहे नमस्कार। हैं सर। बहुत तो नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते। बहुत बहुत और स्वागत है आपका शिवदेव टीवी जनाब, चैनल पर सर। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस और सर, आप आज हम आपका पहले जन्मदिन है जन्मदिवस की हार्दिक जी। थैंक शुभकामनाएं देते हैं, और आज आपका जन्मदिवस है। यू, थैंक यू कौशल, सो मैं मच कौशल, दोनों को, थैंक यू सो मच। मैं भी बोलना चाहूंगा कौशल सर, यस आपको आपके जन्मोत्सव पर अनंत अनंत शुभकामनाएं, अनंत अनंत बधाइयां। जीवन के हर यस क्षेत्र में आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, सक्रिय रहें, जीवंत रहें, प्राणवंत रहें, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, जी ऊर्जावान रहें सर। ये हमारी यस यस थैंक शुभकामनाएं, यू हमारे थैंक यू हृदय से थैंक यू शुभकामनाएं सर। और बहुत थैंक यू। बहुत स्वागत मैं है आपका हमारे चैनल श्रीदेव टीवी पर सर। थैंक यू, मैं अब 58 ईयर का जवान हो गया हूँ सर। अरे कोई बात नहीं सर, आप इतने बड़े कलाकार, तो इतना बड़ा नाम कर दिया, भगवान श्री राम के सबसे छोटे अनुज जी शत्रुघ्न जैसा किरदार निभाया सर जी पर्दे पर। और जब जब भारतीय जी जी धारावाहिक में भारतीय पौराणिक ग्रंथों की बात, भारतीय पौराणिक धारावाहिकों की बात आएगी, जी तब तक आपका नाम बड़े सिद्धत से लिया जाएगा। और जब जब आपका जिक्र थैंक नहीं यू होगा तो उन पूरा का पूरा अध्याय जो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा सर, जी जी वो जी अध्याय जी अधूरा थैंक यू रहेगा थैंक आपके यू जी बिना थैंक सर यू थैंक यू जी। एक्चुअली जीवन, एक्चुअली सर, जीवन में हमारा कहीं ये उद्देश्य था कि एक बार कहीं ना कहीं कभी प्रभु श्री राम के जिस भ्राता की भूमिका निभाई है शत्रुघ्न जी की, जो भरत के जी अनुगामी थे, कभी ना कभी हम जीवन में उनके जी साथ जुड़े, कभी उनके साथ इंटरव्यू करें, तो आज हमारा जो ये उद्देश्य है आज पूरा हुआ। जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर हम शुरू करते हैं आपका इंटरव्यू आपके निजी जीवन से। तो आपके निजी जीवन के बारे में कुछ बताइए, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहा, आपकी शिक्षा, इन सब के बारे में कुछ बताइए। और आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी मैं पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ पले बढ़े सर? सर सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज ही के दिन पैदा हुआ था, 20 अप्रैल 1963 जी बॉर्न, जी एंड मैं मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मुंबई में ही बॉर्न हुआ मैं, और मुंबई में एक जगह है बोरीवली वेस्ट, तो वहीं मेरा जन्म हुआ। तो मैं करोड़ों साल से मुंबई में ही रहता हूं मैं। करोड़ों साल से, क्या बात है, या क्या करोड़ों साल बात से, करोड़ों है साल जी से। तो जी 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 मैं जी जी मुंबई का ही हूँ, बॉर्न इन ब्रॉट अप इन मुंबई। जी जी और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई सर, मुंबई में? सर पढ़ाई लिखाई तो मैं एक्चुअली बोरीवली, ये हमारे जहाँ एरिया है बोरीवली ईस्ट में, एक स्कूल थी जी एच हाई स्कूल, तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई इंग्लिश मीडियम में। और जी। फिर कॉलेज, मेरा कॉलेज हुआ सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो वहीं से मैंने कॉलेज किया। लेकिन आई वॉज, बोलते हैं ना, इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था मैं। पढ़ाई से मुझे ऐसा लगता था यार ये कब पीछा छूटेगा पढ़ाई से। तो मैं इतना, हाँ कुछ सब्जेक्ट्स थे मेरे बहुत ही मुझे अच्छे लगते थे सब्जेक्ट्स, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ्स साइंस, वो आई हेट मैथ्स एंड साइंस, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था यार ये सब्जेक्ट आते क्यों है पढ़ाई में, निकाल ही देना चाहिए इसके लिए। फिर पता चला कि नहीं, ये सब्जेक्ट्स आगे जाके अभी पता चला कि कितनी अहमियत रखते हैं ये सब्जेक्ट्स हमारे लिए, हमारी लाइफ में। कोई साइंस बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। बस कॉमर्स में एडमिशन मिल गया तो मैंने कॉमर्स ले लिया। और मैंने बताया ना कि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में इतना ब्राइट नहीं था मैं। एक मिनट सर जी, पवन पवन शुक्ला जी हमारे इस लाइव को देख रहे हैं और हमें धन्यवाद भी बोल रहे हैं। पवन शुक्ला जी को नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्कार सर आपको। प्रणाम नमस्ते प्रणाम पवन प्रणाम जी, पवन जी, नमस्ते नमस्ते पवन जी, प्रणाम तो सर आपकी कॉलेजेज फिर मतलब कॉमर्स से हुई है, मतलब ग्रेजुएशन में भी आपका सब्जेक्ट कॉमर्स ही हुआ करता था, हुआ था जी 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 जी। यस यस तो यस फिर एक्टिंग लाइन में आने की जो शुरुआत जो हुई एक्टिंग लाइन में, वो कहाँ से हुई, ये हाँ जी। शौक कब से पैदा हुआ आपके जीवन में? वो एक्चुअली मैं, ये ऐसा है कि जब मैं 3 साल का था, तो मेरे डैडी और मम्मी दोनों स्टेज के कलाकार हैं, बहुत बड़ा नाम है डैडी, मेरे डैडी का मूलराज राजा, वो राइटर भी रह चुके, डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
और जी रामायण में जनक का रोल भी उन्होंने किया था, तो जी उनके रिहर्सल्स चलते थे, तो मैं जाता था उनके साथ देखने के लिए, और बोलते जी थे चल आता है मेरे साथ, मैं बोला हाँ मैं आता हूँ चलिए। तो उन दिनों ऐसा था, एक आंधी करके प्ले आता था, प्ले क्या है वो लोग रिहर्सल्स करते थे, तो आंधी करके प्ले आ रहा था, तो उनको एक 3 साल के लड़के की जरूरत थी, तो प्रोड्यूसर ने मुझे देखा, मैं यहाँ पे मतलब उस रिहर्सल में इधर उधर घूमता था, तो वो बोले कि यार ये किसका लड़का है जो घूम रहा है इधर उधर। तो पहली बार मैं गया था तो उन्होंने देखा नहीं था मुझे, तो डैडी ने बोला मेरा लड़का है, तो बोला कि यार तेरा बेटा काम करेगा प्ले में, तो हम बोले कि उसी से पूछ लीजिए। तो वो आए अंकल मेरे पास, तो मुझे बोला कि आप प्ले में काम करोगे, मैं भाग गया, बोला ये क्या पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं डैडी के पास गया, बोला डैडी वो अंकल बोल रहे कि काम करेगा, बोला मैं नहीं काम करूंगा, बोलता नहीं क्योंकि वो 3 साल के लड़के की जरूरत थी, तो मुझे बोला नहीं नहीं तू करेगा। बहुत उन लोग ने मुझे मतलब समझाने की कोशिश की, तो मैं बोला एक शर्त पे करूंगा, अगर आप मुझे कॉमिक्स दिला दोगे तो मैं करूंगा। मुझे उन दिनों कॉमिक्स का बड़ा शौक था, और तकरीबन मेरे पास कॉमिक्स का कलेक्शन कुछ 5 या 6 हज़ार तक का कलेक्शन था कॉमिक्स का। मैं बोला मुझे कॉमिक्स दिलाओगे तो मैं एक्टिंग करूंगा, तो बोले यार ठीक है चलो कॉमिक्स दिलाएंगे। तो बोला मुझे रोज कॉमिक्स दिलानी पड़ेगी, जितने दिन अपने रिहर्सल्स चलते हैं फिर शो होगा, जब भी शो होगा आपको पाँच छः कॉमिक्स दिलानी पड़ेगी। उन लोगों ने एग्री किया, और वो कॉमिक्स की लालच में मैं ये फील्ड में घुसा, ये लाइन में घुसा, एक्टिंग लाइन कॉमिक्स के लालच में मतलब एक्टर बन गए आप। कॉमिक्स के उसमें एक्टर बन चुके, क्योंकि वो लालच थी मुझे कि हाँ यार एक्टिंग करेंगे तो मुझे कॉमिक्स मिलेगी। आगे जाके पता नहीं था कि एक्टिंग करने से नाम भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, फेम भी मिलता है, लोगों इतने सारे प्यारे प्यारे दर्शकों का मुझे प्यार भी मिलेगा, ये मैंने कभी लाइफ में कभी नहीं सोचा था, और इतने सारे फैंस मेरे होंगे ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। तो बस तो करते गए सर, करते गए, फिर एक के बाद फिर प्ले आते गए करते गए। तो सर जी एक जी सवाल जी मेरे मन में यहाँ पर उठ रहा है सर, क्या तो क्या आपने थिएटर भी किया था सर, थिएटर आर्टिस्ट भी थे सर आप? जी मैं गुजराती प्लेस बहुत करता था, हिंदी प्ले करता था, फिर अभी तक करता हूँ थिएटर। एक्चुअली ज्यादातर थिएटर से जुड़ा था, फिर गुजराती प्ले किया, फिर गुजराती फिल्म्स की, गुजराती सीरियल्स की, तो थिएटर से तो बहुत सालों से जुड़ा था मैं, और गुजराती प्ले करता था। अभी बस ये पिछले साल जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग का, मतलब एवरी ईयर मैं यूएसए, मतलब हांगकांग, मस्कत, दुबई, लंदन, कनाडा, हर ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, हर जगह ये प्ले के वजह से मैं गया हूँ। और ये लास्ट ईयर भी हमारा जो था वो जाना था यूएस में, तो वो बिकॉज ऑफ कोरोना के वजह से वो सब कैंसिल हो गया था। तो प्ले से तो मैं बहुत जुड़ रहा हूँ, मुझे प्ले बहुत अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ प्ले में क्या होता है ना कि तुरंत दर्शकों को पता चलता, हमारी एक्टिंग अगर उनको अच्छी लगती है तो मतलब उस वक्त खुश होते हैं, नहीं अच्छी लगती है कभी कभी हम लोग कैसा देखते हैं कि भाई हम लोग का प्ले कॉमेडी रहता है, ज्यादातर कॉमेडी प्ले करता हूँ, तो जो दर्शक इंजॉय करते हैं तो वो एंजॉय करते, तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम लोग लाइव है, दर्शक हमें पसंद कर रहे हैं, फिर जैसे ही शो खत्म होता है तो मिलने आते हैं बैक स्टेज में, ग्रीन रूम में मिलने आते हैं, तो वो इतना अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको तुरंत ही उसका फीडबैक मिल जाता है, प्ले खत्म होते ही उसका फीडबैक मिल जाएगा आपको कि आपकी आपका प्ले अच्छा है, आपकी एक्टिंग अच्छी लगी नहीं लगी, तो उस हिसाब से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्ले में स्टेज पे। सर अभी अभी आपने जिक्र किया कॉमिक्स के बारे में, भारतीय जी चित्रकथा के जी बारे में, कि जब 3 साल का जब आपकी उम्र थी, 3 साल की आपकी आयु थी, और जब आपको किसी ने कहा कि आपको एक्टिंग करना है, तो फिर आपने कहा कि नहीं जी मैं एक्टिंग करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे बदले में कॉमिक्स दिलाई जाए, अगर प्रतिदिन मुझे हर दिन अगर मुझे कॉमिक्स दिलाई जाती है तो मैं निश्चित तौर पर जी किरदार निभाऊंगा 3 साल के बच्चे वाला। जी तो वो कौन सी कॉमिक्स थी, जी क्या भारतीय कॉमिक्स थी, डायमंड कॉमिक्स थी, राज कॉमिक्स थी, अमर चित्र कथा थी, या फिर मतलब जो हाँ विदेशी कॉमिक्सों का जो बोलबाला था वो आपके सर पर चढ़ करके बोला था, चाहे फैंटम हो, मैंड्रेप हो, गोल्डमैन हो, तो मैं कौन से सब सब किरदार देख थे? सब कॉमिक, अमर चित्रकथा, फैंटम, मैनड्रैक, रिची रीच, फिर ये अपने मतलब हर तरह की कॉमिक्स में पढ़ता था, फिर वो और मनो एस्ट्रिच वो पढ़ता जी था, मुझे बहुत ही शौक था, अभी भी है शौक, बहुत ही है शौक।
तो आप तो मनोज अभी मेरे चित्रकथा पास या जी जी आप बोलिए मनोज चित्रकथा, मनोज कॉमिक्स, इंद्रजाल कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, जी। जंबू, हाँ सौसी और अंगारा, और फिर सब उसके बाद आपके मनोज मनोज ज्यादातर में भी बहुत मैं सारे ज्यादातर जी। इंग्लिश कॉमिक्स ज्यादा पढ़ता था, रिची रिच और वो अच्छा सब अच्छा पढ़ता था, आरसी की जी कॉमिक्स पढ़ता था, तो वो मुझे ज्यादा अच्छी जी लगती थी। अभी भी मेरे पास वो टिंटिन जो एक कैरेक्टर है टिंटिन, उसकी जी उसका जी जी फुल फुल कलेक्शन है मेरे पास। जी एस्ट्रिच करके एक है तो उसका भी फुल कलेक्शन है मेरे पास। तो मुझे जी जी बहुत ही शौक है, मतलब अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो पढ़े, मतलब ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ वो कॉमिक्स, फिर भी वो मन करता है यार चल यार आज वो टिंटिन पढ़ लेता हूँ यार, तो देख के फिर वो बैठे बैठे टिंटिन पढ़ता हूँ। तो वो मुझे बहुत ही शौक था वो सब कॉमिक्स का। और मैंने इसलिए पूछा कौशल भाई, मैंने समीर सर आपसे इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि मैं भी कॉमिक्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, बहुत बड़ा प्रेमी वाह हूँ। वाह वाह और मैं वाह वाह बचपन में नागराज, ध्रुव, परमाणु, तिरंगा, शक्ति, कोई भेड़ा, जो राज कॉमिक्स के थे, या फिर डायमंड में कहा चौधरी वगैरह को मैं खूब पढ़ता था। और आज आपसे वाह बातचीत करके मुझे वाह मुझे बड़ी खुशी वाह हुई वाह जी अर्जुन, वाह अर्जुन भाई, तुम्हारे मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते जी हैं। थैंक यू जी वेरी मच जी सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू, सर अच्छा लगा कि आप। हाँ जी, और सर फिर एक चीज और जी पूछना चाहेंगे, फिर रामायण में एंट्री कैसे हुई सर? फिर रामायण में क्या ऑडिशन देना पड़ा, स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा, रामायण से फिर कैसे जोड़ना हुआ? भाई एक ऐसे मिनट हुई कि जी हाँ बोलिए, आपने कैसे पहले बोलिए। मतलब धारावाहिक में आने का चांस कब मिला? पहले आपने कौन सा टेलीविजन धारावाहिक किया था रामायण से पहले? हाँ मैंने सबसे पहले रामायण से पहले मैंने उनकी सागर साहब की विक्रम और वेताल सीरियल आती थी, और जी। एवरी संडे को वो दूरदर्शन पे पिक्चर दिखाते। जी। सर का आवाज चला गया है, सर का कुछ प्रॉब्लम हो गया अच्छा शायद अच्छा सर नेटवर्क। दोबारा कनेक्ट होंगे, बड़े अच्छे मोड़ पर हम लोग आ गए थे कौशल, बड़ा ही शानदार लग रहा है सर से बातचीत करना, उनके अनुभवों को सुनना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में सुनना। अर्जुन भैया हमारे पवन जी सर हमें प्रणाम कर रहे हैं, हाँ उनको प्रणाम कर दीजिए एक बार। सर, पवन जी आप हमारे लिए परम आदरणीय है सर, परम आदरणीय, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है सर आपका। और हमने जब जब आपसे फोन पर बातचीत की, आपने कभी ये दिखाया नहीं कि आप इतने बड़े कलाकार, इतने उम्दा कलाकार हैं, और श्री कृष्णा जैसे लीजेंडरी शो में आपने भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अपनी आवाज दी है सर, तो हम तहे दिल से आपको प्रणाम करते हैं पवन जी। और समीर सर आप दोबारा कनेक्ट हो पाए हैं सर, हाँ दोबारा कनेक्ट हो पाए हैं सर जी। तो सर बताइए, विक्रम बेताल के बारे में बता रहे थे। हेलो हाँ विक्रम एक बेताल मिनट के एक बारे में मिनट, एक होल्ड 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 होल्ड। जी 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 सर हेलो। का आवाज हाँ हेलो, यस आपकी आवाज आ रही है आ सर। रही है, आ रही है, आ रही है। तो सर जी विक्रम जी बेताल बोलिए, के बारे में सॉरी बता रहे सॉरी थे कि सॉरी। हर संडे को आती थी हाँ विक्रम बेताल, उसके अनुभव वो बता रहे थे आप पिक्चर से पहले वो दिखाते थे विक्रम बेताल, कुछ जी। 5:30 5:15 को विक्रम बेताल शुरू होती थी, उसके बाद 6:15 को फिल्म शुरू होती थी। तो विक्रम बेताल इनकी सागर साहब की, रामानंद सागर जी की सीरियल थी, तो सबसे पहले मेरी सीरियल वो विक्रम बेताल थी। अच्छा तो अच्छा तभी से, हाँ तभी से मेरी वो सबसे फर्स्ट सीरियल थी। तो सर जी विक्रम बेताल में कैसे जुड़ना हुआ सर आपका, विक्रम बेताल में किस तरह से जुड़ वो पाए आप? विक्रम, हाँ विक्रम बेताल में ऐसा था कि वो मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने वाल्मीकि का कैरेक्टर किया था रामायण में, और शंकर जी का कैरेक्टर किया था विजय काविश जी, तो वो जी। मेरे अच्छे दोस्त थे। हम लोग ने बचाओ चाचा करके एक हिंदी प्ले साथ में किया था, तो अच्छा वो बहुत अच्छे तरह से मेरे अच्छे दोस्त थे। तो वो उन्होंने पूछा मुझे कि यार समीर तू सीरियल करेगा? मैं बोला हाँ करूंगा सीरियल। तो बोलते ठीक है, तो मैं तेरा नाम सजेस्ट करता हूँ। तो बोला हाँ, फिर वो मुझे बुलाया, फिर उनके घर उनके ऑफिस में लेके गए, रामानंद सागर साहब की ऑफिस लेके गए, और फिर मैंने विक्रम बेताल, वो विजय काविश की वजह से मुझे वो विक्रम बेताल सीरियल मिली। अच्छा तो अच्छा बहुत तो क्या अच्छे इसके लिए क्या दोस्त आपको है। कोई स्क्रीन टेस्ट भी तो देना पड़ा था सर आपको, इसके लिए कोई नहीं आपको नहीं स्क्रीन बिल्कुल टेस्ट भी नहीं, देना तभी पड़ा? नहीं, तभी ऐसा था कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टेस्ट और लुक, हाँ लुक टेस्ट लेते थे, लेकिन स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी तभी। तो उनको अच्छा मतलब अच्छा वो कहानी में, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स की कहानी होती थी वो,
वो एक कहानी जी ऐसी थी कि सबसे पहली कहानी कि मैं, सुनील लहरी और ये बबलू मुखर्जी, हम लोग तीनों मतलब भाई की एक कहानी थी, स्टोरी थी। तो वो मैंने, मेरी पहला एपिसोड था उसका, विक्रम बेताल का, तो जिसमें सर वो खच मैंने किया था तब, कछुए वाली, ऐसे ऐसे। वो बहुत बड़ा कछुआ था, और वो कछुआ मतलब इतना बड़ा पत्थर जैसा, बहुत ह्यूज कछुआ था। और वो जी कछुआ था, वो संजय खान साहब का कछुआ था वो। तो जी वो हाँ, वो उनको, कछुए को लाने के लिए भी बहुत बड़ा मतलब ट्रक की जरूरत पड़ती, या तो कभी टेम्पो में लाते थे। बहुत ही बड़ा कछुआ था वो। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा कछुआ भी देखा होगा शायद, बहुत बड़ा कछुआ था। अगर आप जी उसके पे बैठ भी गए तो वो आपको ले जाएगा ऐसा है। क्या जी बात जी है, सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा मतलब बड़ा ही कछुआ था अद्भुत वो। आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करके, लग ही नहीं रहा है सर कि मतलब इतना इतने बड़े उम्दा कलाकार, इतना बड़ा नाम, इतना अरे बड़ा चेहरा थैंक उनसे मुखातिब हो रहे, संबोधित हो रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत आनंद आ रहा है सर। यू, तो जब थैंक पहली यू बार सो मच। पापा जी के ऑफिस में जब आप मिले उनसे, विजय काबिश जी आपको रिकमेंड किया, आपको अप्रोच करके ले जी गए, और रामानंद सागर जी जैसे एक बड़े अद्भुत डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर से जब आपकी मुलाकात हुई, तो फिर कैसा अनुभव रहा सर जी आपका? क्योंकि सबसे पहले ऐसा था कि वो सीरियल में काम करना ही बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों। क्योंकि, जी और ऐसा था कि जब मुझे सामने लगी, और ये बात है कि जब रामानंद सागर साहब की अगर बात करें, तो वो इतने पॉपुलर प्रोड्यूसर थे उन जमाने में। ललकाल फिल्म थी उनकी, और मतलब गीत, और इतने बड़े प्रोड्यूसर थे। तो थोड़ा बहुत अंदर से मुझे पता था कि ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम, इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के साथ में उन्होंने काम किया है, बहुत बहुत नाम है उनका। तो मैं थोड़ा जी सा मतलब थोड़ा सा डर भी रहा था कि इतने बड़े हैं तो वो कैसे मिलेंगे, इनका नेचर कैसा होगा, मैं क्या बात करूंगा उनसे। और मतलब इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तुरंत जैसे ही गया तो बोला, हाँ इनको ये नाम है, सबको फिक्स कर दो। तो मैं फिक्स कर, और उनके साथ में काम करने का अनुभव भी इतना अच्छा था, और बड़े प्यार से समझाते थे, क्योंकि मैं तो पहली बार सीरियल कर रहा था, तो बड़े प्यार से समझाते थे। और उनका ट्रीटमेंट था, सब आर्टिस्टों को प्यार से समझाना, सबको उनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलती थी उनकी तरफ से। तो आई वॉज सो हैप्पी जी के चलो मुझे ये सीरियल विक्रम बेताल, और उन जमाने में विक्रम बेताल बहुत ही पॉपुलर सीरियल हुआ करती थी, और जी जी पिक्चर के बहाने सब लोग उसको देखते थे सीरियल को। और ऐसा जी था कि वो सीरियल एवरी संडे को आती थी बिफोर फिल्म। तो जब जी भी मेरा एपिसोड होता था, और मेरे तब मैं क्लास में पढ़ता था, टीवाई में पढ़ता था, टीवाई बीकॉम, तो वो जब भी मेरे, सपोज मान लीजिए कि संडे को मेरा एपिसोड आया और मंडे को मेरे क्लासेस होते थे ना, तो वो मेरे अगले बैच वाले और मेरे बाद के बैच वाले सब लोग इकट्ठे हो जाते थे मुझे देखने के लिए। तो मुझे वो मेरे क्लास के टीचर बोलते थे कि यार समीर, तू है ना क्लास में मत आया कर, जब भी तेरा एपिसोड होगा ना तो तू क्लास में मत आया कर, क्योंकि मेरे वजह से वो बहुत डिस्टर्ब होते थे, सब स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते थे, क्लास में भी मतलब बहुत भीड़ लगी रहती थी। और मेरे बाद की क्लास में, और जब मैं जिस बैच में था, उस बैच में तो मतलब कोई पढ़ता ही नहीं था, मतलब वो सर भी मुझे पूछते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, सब लोग देखते थे, मतलब जितने लोग दूसरे दूसरे स्टूडेंट्स से देखते थे, बाहर मैं निकलता था तो वो रास्ते में सब लोग देखने खड़े रह जाते थे। तभी क्या था, वो सीरियल का क्रेज बहुत था, बहुत था। आज बहुत कम हो गया है क्रेज, लेकिन तभी बहुत ही क्रेज था सीरियल्स का। तो जी मैं जब मेरा संडे को एपिसोड आता था, तो मैं मंडे को क्लास में नहीं जा पाता था, ऐसी हालत थी क्लास में। फिर सर बोलते थे कि डोंट वरी, मैं तेरे को एडजस्ट कर लूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी स्टडीज को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर वेनेसडे थर्सडे को कभी भी आ मेरे पास, तो ऐसा होता था जी तभी माहौल। सर और एक्चुअली जो दूरदर्शन बेताल का जो एक्टर उन एक्टर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो सर अगर आपके पास उनकी जानकारी है तो प्लीज बताइए जो कौन बेताल से का एक्टर की कैरेक्टर बात प्ले कर रहे कर, हैं? हाँ, बेताल का बेताल कैरेक्टर, वो एक हाँ वो हिंदी फिल्म्स के बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उनका नाम था सज्जन,
तो जय जिंदल जिन्होंने जी। बेताल का, हाँ बेताल का कैरेक्टर प्ले किया था, और जी वो बड़े मतलब, मैं तो ये मानता हूँ कि जितने पुराने एक्टर्स हैं, जितने पुराने हैं जो भी, तो जी वो बड़े ही अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल नो टैंट्रम्स, और बहुत प्यार मोहब्बत से सबके साथ बात करते हैं, नो एटीट्यूड एट ऑल, और बड़े प्यार से बात करते हैं। मैं जब भी उनको मिलता था, मैं तो उनके और मेरे सीन्स नहीं होते थे, लेकिन जब भी मैं सेट पे जाता था, अगर वो है, आ जा बेटा कैसा है तू, मतलब इतने प्यार से बात करते थे, और बहुत ही मतलब उनमें बिल्कुल घमंड नहीं था कि उन्होंने इतनी सारी फिल्म्स की है, बिल्कुल कुछ जी नहीं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान की तरह बात करते थे। जी बहुत ही अच्छे आदमी थे, वेरी नाइस पर्सन। जी सर एक और भी मेरे मन में कौतूहलता है आपको लेकर के, सर विक्रम बेताल में सर जी लगभग कितने एपिसोड्स में आपने काम किया होगा सर? कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 एपिसोड में किया होगा मैंने, सात या क्योंकि आठ एपिसोड का सर। हाँ अलग अलग एपिसोड्स किए, और जी बहुत सारे मतलब अलग अलग किरदार मैंने निभाए हैं उसमें जी 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 और भी। सर फिर सर विक्रम, और हाँ बताओ बताओ पूछो क्वेश्चन। कुछ दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं, तो सर को एक बार बोल देते हैं कि सर, वो दर्शक बोल रहे हैं कि हमारे मैसेज आप सर तक क्यों नहीं पहुंचा रहे। सर मीरा राजपूत जी अरे हैं जो आपके पहुंचा पहुंचा ही मैसेज, आप, दर्शक हैं तो हम हैं, तो उनके मैसेज हम तक तो पहुंचने ही चाहिए, जी डेफिनेटली बिल्कुल पहुंचाइए, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं दर्शक। मेरे आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है। पाटिल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पांडे जी भी आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू जी, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू पायल जी, थैंक यू सो मच। मीनू रावत जी भी आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है। थैंक और यू एक थैंक लड़का यू भी था थैंक यू कौशल, सो मच। अरे कौशल एक लड़का भी था, थैंक कॉन्टैक्ट यू करके वो कौशल जी, भी। वाह वाह, आप हैं, जी थैंक यू जी सो मच। पिंकी जी, एक एडवोकेट पिंकी जी ने भी आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू सो मच। और एडवोकेट तो ऐसे होते हैं ना, मतलब वकील जो होते हैं वो, भगवान करे किसी की जरूरत, किसी को उनकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप तो जानते हैं जी और दोस्त अच्छे हैं, लेकिन बाकी जरूरत ना पड़े उनको, एज ए सर फ्रेंड एक और, थैंक यू सो मच। जी सर एक ही और बताना चाहेंगे सर कि पिंकी जी आपकी बहुत बड़ी फैन है, गुजरात में एडवोकेट का काम करते हैं पेशे से, और बहुत बड़ी फैन है जी सर, बहुत बड़ी फैन, वो मतलब आपको थैंक यू थैंक यू देखने के, थैंक लाइव देखने के, लाइव सुनने के लिए बहुत उत्साहित थी, कई दिनों से उत्साहित थी सर। ओ थैंक यू थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। जी। और सर तो मेरा अगला आज सवाल तो भी, मैसेज लाइव देख ही लिया हो, जी एक बिल्कुल आज तो मेरे उन्होंने को लाइव मुझे देखा लाइव है। देख ही लिया होगा। जी हाँ जी 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 अश्विनी कुमार दुबे जी भी जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं सर जी। कौन जी? अश्विनी कुमार दुबे जी। ओ थैंक यू अश्विनी कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कौशल भाई, समीर सर, मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहूंगा, एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये जो अश्विनी जी कुमार दुबे जी हैं, ये हमारे चैनल के बहुत बड़े फैन हैं और आपके भी बहुत बड़े फैन ओके हैं, और इनकी जो पुत्री हैं जी उनका नाम है अंकिता दुबे, हमारे लिए परम आदरणीय वो भी हैं सर, और वो दिव्यांग लड़की जी हैं, दिव्यांग कन्या है, बहुत प रतिभाशाली है, श्रीमद भागवत गीता जैसे ओ अद्भुत दिव्य ग्रंथ को इन्होंने जी अपने कंठ में बिल्कुल कंठस्थ कर लिया है सर। और एक छोटी सी घटना जो ओ मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ, कि जब आपकी सीरियल जी रामायण आ रही थी, रामानंद सागर की जब रामायण आ रही थी, और जब उसमें आप हाँ हाँ शत्रुघ्न के किरदार में आप थे, और शत्रुघ्न का किरदार जब आप निभा रहे थे, तो उस समय आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती का ये आलम था, आपके मुखारविंद का ये आलम था, आपके व्यक्तित्व का ये आलम था, कि ये जो अंकिता दुबे जी हैं, इनकी माँ ने इनको दूध गर्म करने का काम दिया था, और ये अपने मल्टीमीडिया फोन में रामायण रामायण सीरियल देख रही थी, रामायण धारावाहिक देख रही थी, और उसमें जो आपका जो व्यक्तित्व था उससे इतनी प्रभावित, इतनी मुतासिर, सम्मोहित हो गई, सम्मोहन की गहन अवस्था में चली गए, कि दूध पूरा गर्म होकर के पूरा उबल करके गिर गया, लेकिन उन्होंने आपके चेहरे को मुखारविंद से अपने अपने दृष्टि को हटाना उचित नहीं समझा, पूरा दूध गिर गया जी था। ओहो और बाद में ओहो अंकिता अरे जी को काफी डांट भी सुननी पड़ी, जी अरे अंकिता जी को बहुत डांट सुननी पड़ी सो जी। स्वीट ऑफ यू अंकिता जी, सो सो स्वीट ऑफ यू, और मेरे कारण आपको ये डांट सुननी पड़ी, आई एम वेरी जी सॉरी, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना पसंद किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जी मच। जी
एक्चुअली सर उनका मानना है कि जो उन्होंने रामायण देखा है वो आपके कारण देखा है, शत्रुघ्न जी के कारण जो आपका ये लेकिन अंकिता जी मेरा तो रोल उतना था भी नहीं उसमें, मैं बहुत मतलब बिट्स एंड पार्ट्स में आता था, मेरा तो रोल नहीं था ज्यादा, बाकी तो सब लेकिन लोग बहुत बड़े लेकिन बड़े आपने अच्छे। जो लेकिन आपने जो भी रोल किया, जो भी एपिसोड में जो रोल किया, चाहे मंथरा जी को पीटने वाला रोल किया, भरत जी के साथ अपने ननिहाल जाने का जो रोल किया, फिर उत्तर रामायण में जो लवनासुर को मारने का जो रोल किया, जो किरदार निभाया, लव कुश का, लव कुश के नामकरण संस्कार का जो किरदार आपने निभाया, वो अपने आप में अद्भुत, अतुलनीय और अविस्मरणीय बन पड़ा, कभी उसको भूल नहीं पाएंगे दर्शक। क्या अद्भुत संवाद बोले हैं, क्या अद्भुत किरदार किया है सर आपने। थैंक यू सो मच। बस बस ये तो ये क्या है ना सर, ऐसा होता है ना, ये अपने आप बन जाता है, कुछ अच्छी चीज अपने आप बन जाती है और वो इतनी अच्छी चीज बन गई और सब अपने 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 स्थान, मतलब अपने अपने रोल में, चाहे वो अरुण जी हो, सुनील जी हो, भरत जी हो, दीपिका जी हो, मतलब एवरी वन अपने अपने रोल में से एक्ट थे, बहुत ही फिट थे। और अच्छी चीज बननी होती है ना, वो मतलब एक ही बार बनती है, और उसके बाद भी बहुत बार रामायण बननी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी, शायद इतनी पॉपुलर हो चुकी, मतलब बिल्कुल नहीं हुई होगी पॉपुलर जितनी ये रामायण पॉपुलर हुई। और तभी तो क्या था, टेक्नोलॉजी भी देखने जाए तो टेक्नोलॉजी भी इतनी, हम लोग इतने साउंड नहीं थे, और फिर भी लोगों को बहुत पसंद आई रामायण, और बहुत ही टची था, बहुत सारे उसमें मतलब चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे से डायलॉग्स हैं, और रविंद्र जैन जी मतलब इतने अच्छे, मतलब उन्होंने म्यूजिक दिया रामायण का, और पापा जी ब्रह्मानंद सागर जी, मतलब उन्होंने मतलब आर्टिस्टों को इतने अच्छे से प्यार से समझाते थे, मतलब ये चीजें मतलब, और हम सब ऐसे हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि सब अमर हो गए, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान का ये संदेश है कि हम लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं एक्चुअली, और हमारा कोई काम नहीं, यही काम के लिए हमें धरती पे भेजा है इन्होंने, और हमने अपने हिसाब से बहुत ही वो काम अच्छी तरह से सबने निभाया है सर। बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही बड़ा काम किया है सर आपने। और हमारी एक दर्शक है मीनू रावत जी, उन्होंने कहा है कि सर एक बार उनका नाम लेकर के उनको आशीर्वाद दें, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर, मीनू रावत। यस सर। मीनू रावत जी। मीनू जी थैंक यू सो मच, आप मेरे फैंस हैं, थैंक यू सो मच, रियली लव यू ऑल, एंड आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और ज्यादा बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। विक्रम बेताल के बाद जो मतलब दौर जो आया, तो विक्रम बेताल में आपने 7 या 8 एपिसोड आपने किए, 7 या 8 कड़ियों में थी, अलग अलग कहानियों में थी, तो उसके बाद फिर कौन सा अगला शो मिला आपको? मैंने विक्रम बेताल के बाद तुरंत ही मुझे रामायण मिली, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया वो विजय काविश है, और ये जो ग्रुप है तो वो रामायण की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन रामायण के पीछे भी मेरी एक अच्छी कहानी है, जो अगर आप बोलो, आप चाहें तो मैं वो दर्शकों को बताना चाहूंगा। निसंदेह तो बिल्कुल। हाँ, तो वो तुरंत ही वो लोग प्लानिंग कर रहे थे रामायण के बारे में, लेकिन शुरुआत में मैं था नहीं उसमें, और वो शशि पुरी जी थे, और पता नहीं उनको कुछ डेट्स प्रॉब्लम हुई थी, तो हो रही होगी कभी, तो उन्होंने वो रामायण सीरियल छोड़ दी, और हमारे हमारे पास उन दिनों मतलब किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं था, वो लैंडलाइन से ही बातें होती थी सबकी, तो मैं घर पे था और बारिश बहुत हो रही थी, तो फोन लग नहीं रहे थे स्टूडियो में, तो मेरे डैडी बोले कि यार समीर एक काम कर, तू स्टूडियो जा और मेरी जो डेट्स हैं तो वो डेट्स लेके आ, तो मैं चले गया गाड़ी लेके डेट्स लेने के लिए। फिर वो ये विजय काविश जी थे, उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे रामायण में, तो वो मुझे बोले कि तू डेट्स लेने आया है, तो एक मिनट रुक मैं डेट्स देता हूँ, तो उन्होंने मुझे जो भी डेट्स थी वो सब दी रेडी, तो एकदम से सडनली मुझे बोला है, एक मिनट रुक, तू जाना नहीं, तू पापा जी से मिल ले, मतलब सागर साहब से मिल ले। तो वो मुझे लेके गए उनकी कैबिन में, तो वो बोले कि हाँ, तो बोला कि सर ये वो हम लोग शत्रुघ्न ढूंढ रहे हैं, तो ये शत्रुघ्न के लिए आप देखो कैसे हैं।
तो उन्होंने देखा, वो जानते तो थे मुझे क्योंकि मैं विक्रम बेताल कर चुका था उनके साथ में, वो जानते थे। तो वो तभी तभी भी मैं बड़ी बड़ी मूछे, मोटी मोटी मूछे रखता था। तो मुझे बोला, मेरे सामने देख के बोले कि यार तू एक काम करिए, मूछे मुंडवा के आएगा। बोला हाँ मूछे मुंडवा के आऊंगा। दूसरे दिन पहुंचा, मूछे मुंडवा के मैं गया तो विजय वो देख के हंसने लगा, बोला यार तू कैसा लग रहा है मुझे, मुझे बिना कैसे लग रहा है। मुझे भी बड़ी शर्म आ रही थी, मैंने कभी लाइफ में मुंडवाई नहीं थी, मैं ऐसे मुंह ऐसे अपना ढक के जा रहा था। तो मैं गया, बोला कि तू जाए काम कर, पापा जी कैबिन में बैठे हैं, तू जाके उनको मिल ले। तो मैं गया तो वो काम कर रहे थे अपना, और मुझे ऐसा देखा तो बोला यस, बोले कि सर मैं वो शत्रुघ्न के रोल के लिए, बोले उन्होंने बोला नहीं नहीं वो आप जाओ, बोले कि हमने किसी और को सिलेक्ट कर लिया है और हमारे शत्रुघ्न जी हैं वो फिक्स है। बोला ओके, मैं निकल गया बाहर। तो विजय ने बोला क्या हुआ, बात हुई? बोला बात तो नहीं हुई, लेकिन वो बाबा जी ने बोला कि नहीं हम लोग ने किसी और को ढूंढ लिया, आप जाइए। तो वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, बोले तेरा नाम है उसमें। तो फिर मुझे लेके गए अंदर, बोला चल तू मेरे साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि पापा जी आपने पहचाना नहीं, यही शत्रुघ्न है जो समीर है, जो शत्रुघ्न के रोल के लिए हम लोग ने उनको फिक्स किया है। तो फिर से उन्होंने दोबारा अच्छी तरह से मेरे चेहरे पे देखा, तो मुझे बोला यार तू शत्रु, तू बोलता नहीं है, तू समीर है, तूने मूछे मुंडवा ली, तू कैसा लग रहा है, तू छोटा लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मूछे रखता क्यों है। तो वो सब वो बोला नहीं नहीं तू ही हमारे शत्रुघ्न। और पहले तो मैं डर गया था कि जब उन्होंने निकाल दिया कि जाओ, तो बोला यार मूछे भी गई, मेरा रोल भी गया, कुछ नहीं। फिर वो उस हिसाब से फिर उस तरह से मुझे वो रोल मिला। तो बोला नहीं नहीं तेरा ही नाम है, तू ही हमारा शत्रुघ्न। फिर मैं वो हाँ मुझे उस हिसाब से वो रोल मिला। जी जी तो क्या फिर इसके लिए कोई स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा था सर आपको क्या? नहीं मैंने नहीं दिया था, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं रोल, कुछ वो रोल के लिए ना स्क्रीन टेस्ट दिया था ना लुक टेस्ट दिया था, कुछ नहीं। तो सर जी हम बात आपके ग्रेट फादर मूलराज राजदा की किया था, और उन्होंने विक्रम बेताल में लगभग पूरे एपिसोड्स उन्होंने किए थे। तो आप बहुत सारे, हाँ, तो आपका उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा रामायण में, क्योंकि आप तो ससुर दामाद का रोल कर रहे थे ना, तो आपके ससुर रहे थे, आप उनके दामाद का रोल कर रहे थे, कैसा अनुभव रहा अपने पिताजी के साथ, अनुभव कैसा रहा इसके बारे में कुछ बताइए। जी वो एक्चुअली क्या है कि पिताजी घर में कुछ अलग थे और एज ए एक्टर अलग है। इंसान बहुत ही जॉली, इंसान बहुत ही जॉली, मजाकिया नेचर था उनका और बहुत मस्ती करते थे घर में भी। फिर लेकिन जब वो एक्टिंग पे आते थे तो वो बहुत ही सीरियस टाइप के थे, मतलब वो ज्यादा अपने में मस्त होते हैं, डायलॉग्स देखते हैं। तो वो देखते थे मुझे, मैं सेट पे सबके साथ में मस्ती करता था, इधर उधर घूमता था, मस्तियां करता था। तो एक दो बार ऐसा मुझे देखा तो मुझे रात में बुला था, इधर आ तो बोला तू क्या कर रहा है, तू इतनी मस्तियां कर रहा है सेट पे। तो बोला तू सेट पे होता है, जब काम पे काम जब कर रहा है ना तो काम पे पूरा फोकस रख, तू इधर उधर घूमता है, तू मस्ती करता है, किसी ना किसी की मतलब किसी ना किसी के साथ प्रैंक्स करता है। दो तीन ऐसे इंसिडेंट भी हुए थे कि हम लोग ने डराया था बहुत लोगों को, तब उन तक बात पहुंची थी। तो मुझे बोला मतलब ऐसे लोगों को डराया मत कर, किसी को कुछ हो जाएगा तो तू काम में ध्यान दे, बी फोकस, काम में ध्यान दे। तो तभी मतलब उनसे थोड़ी मतलब डांट पड़ती थी मुझे, लेकिन फिर उनको भी पता था कि वो हंसते भी थे। फिर वो मुझे बोलते थे यार कैसे डराया बता मैंने, तो मैं उनको बताता था डैडी ऐसा कि हम लोग ने डरा ऐसे, तो वो भी हंसते थे। तो लेकिन इतना ही बोलते थे, लेकिन काम के टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि बाकी कोई तुझे ना डांटे, तू अपने काम में तू अच्छी तरह से अपना काम निभा, बाकी मस्तियां वो तो सब चलती रहती। मैंने बहुत कुछ सीखा उनके पास से, बहुत कुछ सीखा उनके पास। तो सर कौशल भाई मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, तो मूलराज राजदा जी ने बीआर चोपड़ा के महाभारत में सर उन्होंने काम किया, एक लीजेंडरी एक्टर है सर, और फिर रामायण में उन्होंने काम किया, विक्रम बेताल में भी उन्होंने काम किया, कई धारावाहिकों में काम किया। तो एक आप हाँ तो एक बेटे के तौर पर आप उनको एक बेटे के तौर पर कैसे याद करते हैं, उनको उनकी मधुर स्मृति कैसे याद करते हैं, कितने भाई बहन थे वैसे व्यक्तिगत तौर पे समीर सर आप? मैं एक्चुअली मेरी एक एल्डर सिस्टर है वर्षा जी, और मेरे से एक छोटी बहन है उसका नाम है बिजल।
तो हम लोग तीन ही थे भाई बहन, और मैं अकेला इकलौता था। तो वो हमेशा मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को वो समझाते थे। और सच्ची मानो तो मैं सच्ची बोलूं तो मेरा कोई इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। मैं जी। जो भी कुछ सीखा, मैं जो भी मतलब एटीट्यूड, नो टेंट्रम्स, हम्बल, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, कोई एटीट्यूड मत रखो, हम्बल, पेशेंट, पेशेंस रखो अपने काम में, काम में होशियार रहो, तो ये सब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और कभी कभी ऐसा होता था तो वो मुझे पूछते थे कि तुझे अगर सपोज ये रोल करना है तो तू कैसे करेगा, वो अपना वो बहुत लिखते थे। तो मैं बोला कि तो बोला ये तू मुझे करके बता। तो वो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता था, मैं उनसे मतलब उनको उनको भी म्यूजिक का बहुत शौक था, तो उनको राइटिंग का बहुत शौक था, तो मुझे पूछते थे कि तुझे राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बोला है डैडी लेकिन मैं इतना कुछ नहीं लिख सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे मैंने कोशिश की, फिर कुछ मैंने लिखा था लेकिन अभी तो पता नहीं, लेकिन हाँ उनसे सीखने को बहुत मिला। ही वॉज मतलब परफेक्ट फादर, मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरे डैडी हैं, और आई एम रियली हैप्पी उनसे जैसा, उनके जैसा मतलब इंसान, नॉट बिकॉज के वो मेरे फादर हैं इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना उनको ऑब्जर्व किया उनके जैसा इंसान मैंने सचमुच मेरी लाइफ में मैंने देखा नहीं। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज़ सन रियली, और बहुत ही मिस करता हूँ अभी भी, बहुत ही मिस करता हूँ। तो सर जी हम जानना चाहते हैं, जो भरत जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे संजय जोग जी, खेरा तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ बताइए सर, आप कैसे थे, आपकी उनके साथ कैसी दोस्ती थी, इन सब के बारे में कुछ बताइए। शायद मुझे लगता है मैं ज्यादा कुछ थी दोस्ती आपकी गहरी थी। हाँ मेरी तो सबसे अच्छी, हाँ हमारी सबसे अच्छी दोस्ती सबके साथ मेरी थी, लेकिन वो सबसे पहले वो भी एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे मराठी फिल्म्स में, बहुत ही उन्होंने नाम उनका मराठी फिल्म्स में है। और जब भी फर्स्ट टाइम मैं मिला, मैं हमेशा उनको सर सर करके बुलाता था, संजय जी करके बुलाता था, आप करके बोलता था उन्हें, तो वो हमेशा मेरी उनसे ये ऐसे ही बातें होती थी। तो एक बार जब वो रामायण शुरू हुई तो हम लोग पहली बार सेट पे मिले, तो मैं बोला हाँ संजय जी कैसे हो, ये हो, तो एक दो दिन तक उन्होंने ये सब सुना चलाया, तो मुझे बोले यार इधर आ यार, तो मैं बोला हाँ, मैं बोला अभी डांटेंगे यार, मैं तो बहुत छोटा हूँ, सब मेरे लिए बड़े हैं, नए हैं, मैं तो मतलब कुछ नहीं हूँ इनके सामने। तो मैं बोला ये सब क्या हुआ, तो बोले यार तू तो कुछ मेरे से नाराज है क्या, तो तू मुझे सर क्यों बोलता है, तू मुझे या संजय बोल या संजू बोल। मैं बोला नहीं नहीं सर कुछ मेरे से गलती हो गई, तो बोलते नहीं नहीं मतलब मैंने आपको कभी तू ता पे बोला, नहीं 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 मुझे मुझे चाहिए कि तू मुझे संजय बोल, संजू बोल, यार बोल, हम लोग वी आर फ्रेंड्स, ये आप निकाल दे बीच में से। फिर मैंने बोला मैं कोशिश करूंगा, हाँ मैंने बोला मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं फिर भी मैं धीरे धीरे करके मतलब, और जब भी मैं उसको आप बोलता था तो वो बोले जा यार मैं तेरे साथ बात नहीं करता, इतना बोलने के बाद भी तू मुझे तू नहीं बोला। उससे बस धीरे 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 हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, और बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो, बहुत ही इंटेलिजेंट, उनको कोई भी टॉपिक बोलो वो इतनी नॉलेज थी उनको भी, और बहुत ही अच्छा, और मस्ती, मैं हम लोग मस्तियां भी मतलब कुछ मैं सोचता हूँ फिर वो करते थे, वो हम लोग बहुत मस्तियां करते थे सेट पे, बहुत लोगों को हम लोग ने डराया, मैंने संजू ने डराया, मैं सुनील ने डराया, हम लोग सब लोग ने मिलके इतने लोगों को डराया, प्रैंक्स करते थे, मिलजुल के प्रैंक्स करते थे, तो हम लोग बहुत मस्तियां करते थे, तो उस हिसाब से उनके साथ में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई सबके साथ में। जी, 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 और पूनम सेठी जिन्होंने आपकी पत्नी किरदार निभाया, श्रुति कृति का किरदार निभाया, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी रामायण की स्थित धारावाहिक में? सच्ची बोलूं तो मैं एक्चुअली फीमेल्स के साथ में मैं बहुत ही शर्मिला था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, वो अगर सुबह मुझे बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो मैं शाम को गुड मॉर्निंग का आंसर देता था, इतनी मैं बहुत शर्मिला था। तो धीरे 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 फिर क्योंकि साथ में मुझे पता चला कि ये उन्होंने मेरी वाइफ का
किया है, रोल कर रही हैं। फिर मैं वो सामने से आते थे, बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरे से बोला नहीं, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं, किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप मेरे से बात क्यों नहीं करते? बोला मैं बात, मतलब सब लोग फिर मेरी खिंचाई करते थे कि ये मतलब कितना शर्मिला है, बात नहीं करता था, बोलता नहीं था। और एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे शर्म इस चीज की ज्यादा आती थी क्योंकि हम लोग टॉपलेस थे, जितने मेल्स थे ना हम लोग टॉपलेस थे, ऊपर कुछ पहनना पहनना नहीं होता था हमारा, और सिर्फ एक वो लगा लेते थे, बाकी पूरी बॉडी बैर बॉडी थे हम लोग। तो मुझे उस बात से मुझे उस बात से मुझे बहुत ही शर्म आती, जैसे ही मतलब और जैसे ही मतलब ऐसा कुछ मतलब जैसे सीन मेरा शॉर्ट ओके होता तो मैं वो शॉल लेके बैठ जाता था और वो लोग ऐसे ही घूमते थे, मैं शॉल लेके बैठ, तो तभी भी मेरी खिंचा रहे तू इतना शर्मिला क्यों? बोला मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक आज तक मैं घर पे भी बिना शर्ट बिना मतलब टी शर्ट के मैं बैर बॉडी घूम ही नहीं सकता, मुझे अभी भी इतनी शर्म, घर पे भी नहीं घूमता। तभी तो मैं बहुत ही मतलब, तो वो सब देखते थे और मेरी मजाक करते थे। फिर वो धीरे धीरे मेरी और उनसे अच्छी ट्यूनिंग हो गई, मैं उनसे बात करता था। और शायद आप लोगों को मतलब ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आज के जो बहुत ही बड़े टॉप के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं हिंदी में, रोहित शेट्टी, उनकी बहन है रोहित शेट्टी, और जो फाइट मास्टर थे शेट्टी, उनकी डॉटर है ये पूनम जी। तो मैं फिर धीरे धीरे उनके साथ में अच्छा ट्यूनिंग सबके साथ में धीरे 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 बहुत, हाँ फिर भी बहुत बातें बहुत कम करता था, लेकिन अच्छी धीरे धीरे बातें फिर शुरू हो गई थी हमारा। मैं ज्यादातर उन लोगों के साथ में बैठता भी नहीं था, मेरा अच्छा ग्रुप था, तो मैं संजय सुनील हम लोग ऐसे बैठते थे हम लोग सब। और तो वर्तमान समय पूनम जी के साथ अभी कोई बॉन्डिंग है कि नहीं? अभी मतलब टच में आप लोग हैं कि नहीं? हेलो, कम्युनिकेशन वगैरह होता है कि नहीं आप लोगों के बीच में? हेलो 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 हेलो, हमारी आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? हेलो 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 सर, यस हेलो हेलो सर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? यस प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी थोड़ी देर में। तो कौशल भाई बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमसे बातचीत करके, जीवन के सारे अनुभवों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन को पूछिए अभी जो आपने पूछा था सर जी से एक बार। हेलो हेलो, हाँ सर, हमारी आवाज आ रही है ना सर आप तक? हेलो, एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं। तो कौशल, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पूनम सेठी जी के बारे में कि वर्तमान समय में अभी आप लोग टच में हैं या नहीं, और बड़ा अच्छा लग रहा है अरुण गोविल जी के बारे में बातचीत करेंगे, पापा जी के बारे में बातचीत करेंगे, और ललिता पवार जो जिन्होंने मंथरा किरदार निभाया था, जिनको उन्होंने पीटा था, प्रताड़ित किया था अपने ननिहाल से लौट के आने के बाद, वो भी क्वेश्चन मैं अभी रेज करूंगा, इनसे पूछूंगा। और बड़े अच्छे मोड़ पर हम लोग पहुंच गए हैं, बड़ी अच्छी बातचीत का एक सिलसिला बन गया है और काफी सम्मोहन सा हो गया दर्शकों के बीच में भी। मीरा रावत जी, अच्छा एक लड़के का कमेंट आया था, एक लड़का कमेंट कर रहा था, शंकर करके कुछ था, उसके कमेंट कोई पढ़ना जी, हाँ, जी जरूर बोलिए बोलिए सर, हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ जी हमारी आवाज, हाँ। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि पूनम सेठी जी जिन्होंने आपकी पति श्रुति कृतिया किरदार निभाया था रामायण धारावाहिक में, तो क्या उनसे वर्तमान समय में उनसे टच में है या नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन होती है कि नहीं आपको? नहीं, अभी तो बहुत टाइम से नहीं है, मतलब पता नहीं अभी ये वो यहाँ पे है इंडिया में है या अब्रॉड चली गई है, उनका अभी कोई पता नहीं है, मुझे आता पता कुछ नहीं। बहुत सालों से उनके साथ में सब ये कॉन्टेक्ट टूट गए, तो अभी अच्छा, तो हम लोग टच में नहीं है, बिल्कुल टच में नहीं। तो सोशल मीडिया मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी मतलब कहीं पे कनेक्ट नहीं है उनसे? नहीं। सर आपने तीन आदमी का किरदार आपने बताया सर, एक तो आपका, एक संजय जोगी जिन्होंने भरत का किरदार निभाया था, और एक सुनील लहरी जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, लेकिन हम पूछना चाहेंगे सर अरुण गोविल जी जो कि सबसे आपके बड़े अग्रज, आपके बड़े भाई राम का किरदार निभाया था, उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी सर?
उनके साथ में भी मेरा ये हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे नटरा स्टूडियो अंधेरी में है, हमारे यहाँ अंधेरी ईस्ट में, तो तभी जैसे मैंने बताया ना कि वो शायद कुछ शशि पुरी जी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उन्होंने वो सीरियल छोड़ दी, तो वो सब प्रोमा वर्क यहाँ पे हम लोग नटरा स्टूडियो में कर रहे थे। तो पहली बार मैंने भी उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा था, सावन को आने दो, उनकी बहुत सारी फिल्म्स मैंने देखी थी पहले। तो मैं जब गया तब वो ग्रीन रूम में बैठे थे, वो किताब पढ़ रहे थे, तो मैंने उन्होंने देखा मुझे तो बोला, और वो डैडी को जानते थे अच्छी तरह से क्योंकि वो मुझे देखे अरे आ जा आ जा बैठ। तो वो मैं बैठा जाके मैं बड़ा ऑकवर्ड सा फील कर रहा था क्योंकि इतने बड़े स्टार के पास मुझे बैठना, और मैं पता नहीं मैं क्या बात करूं। अगर ऐसा था मैं इतना नर्वस हो जाता था, कॉन्शियस हो जाता था कि अगर मान लीजिए कि अगर उन्होंने मुझे अगर आप नाम भी पूछ लेना मेरा, तो मैं मुझे दो चार बार दो तीन मिनट मतलब वो सोचना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, मैं नाम भी भूल जाता था ऐसा थोड़ा कॉन्शियस। तो वो हेलो बैठो बैठो कैसे हो, मतलब सर मैं ठीक हूँ आप कैसे हो, बड़ी मुश्किल से मैंने उनका जवाब दिया। फिर वो कुछ किताब पढ़ रहे थे, फिर वो बोले कि यार वो रब की किताब से बताओ यार कैसे हो, क्या है डैडी क्या कर रहे हैं ये वो। फिर धीरे 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 उनसे और धीरे धीरे उनसे भी मतलब बातें शुरू हुई, फिर पता चला कि वो भी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ है, मतलब नो टेंट्रम्स। और उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी जो मेमोरी दिमाग मेमोरी जैसे हम लोग बोलते हैं ना एलिफेंट मेमोरी, कि एक बार पढ़ने से दो बार पढ़ने से इतने लंबे लंबे डायलॉग वो ऐसे ही बोल लेते थे, मतलब फटाफट बोल लेते थे क्योंकि उससे वैसा पन्ने ऐसा पलटते थे जहाँ के 10-15 मिनट बैठते थे आराम से अकेले पूरे लाइन्स देख के फिर ऐसे बोल लेते थे। तो मैं उनको हमेशा बोलता था सर आपकी तो एलिफेंट मेमोरी है सर, आप तो बहुत मतलब वो इतना कुछ आप। फिर वैसे धीरे धीरे हम मतलब इतने अच्छे मतलब दोस्त बन गए, एक बड़े भाई जैसे थे वो, बहुत ही केयर करते थे, केयरिंग उनको मालूम था, जब भी कुछ भी होता था और हमेशा मुझे साथ में रखते थे, हम लोग मस्ती भी करते थे तो उनको साथ में लेके करते, तो वो भी हमारे साथ में प्रैंक्स करते थे, मस्तियां करते थे, लेकिन हर बार प्रॉब्लम यही था मैं ही पकड़ा जाता था क्योंकि मैं छोटा था तो सबको चल गया ये छोटा है यही करता होगा। कभी कभी उसका फायदा भी होता था कि बाकी सबका नाम आता था, मैं छोटा चुपचाप ऐसा बैठा तो लगता था यार ये मस्ती तो कर ही नहीं सकता, ये बंदा मस्ती ही नहीं कर सकता। तो उनके उनके साथ में भी ऐसे जुड़ने का मौका मिला, और मैंने बताया ना कि इतने डाउन टू अर्थ और इतने मतलब आज भी जब भी हम लोग मिलते हैं मैं अभी भी फोन करूंगा तो फटाक से फोन भी उठा लेंगे, बात करेंगे कैसा है तू क्या है, हम लोग बातें करेंगे। फिर कभी भी मैं उनसे उनके घर पे भी मतलब वो बोलते हैं यार चलो मिलते हैं ऐसा, उनके साथ में ऐसा वो अभी तक वो जो रिलेशन रामायण के टाइम बनी थी वो अभी तक उनके साथ में बरकरार है, और सबके साथ में वो रिलेशन भी इतने अच्छे हैं हमारे, और सबके साथ में अच्छी दोस्ती भी हो गई है एक्चुअली। सर आपने कहा कि संवाद जो लिखे होते थे, स्क्रिप्ट जो लिखे होते थे वो अरुण जी मतलब एक बार देखते थे 10-15 मिनट देखते तो 10-10 पन्ने या 20-20 पन्ने का वो स्क्रिप्ट लगातार वो बोल देते थे। तो सर आपके साथ क्या था, जब आपको स्क्रिप्ट दिया जाता था आप कितने देर में दे करके बोल लेते थे, याद कर लेते थे स्क्रिप्ट को सर? एक तो सबसे बड़ी बात है वो सीधी मतलब साफ हिंदी नहीं थी, मतलब उचित अनुचित भ्राथा आसन ग्रहण कीजिए वो मैंने कभी लाइफ में मैंने वो सब मतलब डायलॉग्स मैंने बोले नहीं थे। तो वो जितने जो वो वर्ड होते थे तो वो मुझे याद करने में मुझे टाइम लगता था। तो मैं क्या करता था, मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी अभी भी वही आदत, और होमवर्क करने की बहुत आदत है, जब तक वो स्क्रिप्ट याद नहीं रहती है मैं दिन रात रात में भी जाग जाग के वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के फिर दूसरे दिन सेट पे जाता। तो मेरा ये था कि मैं एक तो मेरी जो पूरी जितनी लाइन्स थी उसको हाईलाइट कर देता था, मार्कर पेन से हाईलाइट करता हूँ अभी भी वो आदत है, और जितने जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसको मैं एक पेंसिल से या पेन से उसको सर्कल कर देता हूँ ताकि वो वर्ड जब भी वो लाइन बोले तब दिमाग में रहता है कि हाँ मैंने ये वर्ड पे मैंने वो सर्कल किया तो ये वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड है। तो वो वर्ड पे ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि कभी कभी वही वर्ड के वजह से हम लोग फंबल ज्यादा मारते हैं, तो वो वर्ड मैं ध्यान में रख के उसको अंडरलाइन कर मतलब वो पूरा सर्कल कर देता हूँ।
जब भी वो लाइन बोलते 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 वो वर्ड तक आता था तब मैं सोचता था ये वर्ड क्या है, और दो तीन बार वो वर्ड को ही ज्यादा पढ़ लेता था, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा। और हाँ ऑफकोर्स बाकी सब लोग थे और आसानी हो जाती थी, मतलब लाइंस में लाइंस पढ़ने में टाइम मिल जाता था लाइंस में, क्योंकि वो लाइटिंग में टाइम लगता था, वो लाइट करते 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 हमारा सीन आते आते थोड़ा टाइम लगता था, तो तब तक हम लोग सब वो लाइंस के साथ हम लोग रेडी हो जाते। और मैंने बताया ना मेरी तो उत्तर रामायण में ही मेरा ज्यादा काम आने लगा था, पहले इतना था नहीं तो मुझे इतना कोई ज्यादा मुझे ज्यादा इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, बाद में भी नहीं हुई और पहले भी लाइंस को याद करने में नहीं हो रही थी। तो मेरे अभी भी वही है कि हाँ वो मैं जो मुझे डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो उसको राउंड करके और वो वर्ड को फटाक से याद हो जाता है। है जिसका मैसेज आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि एक बार मैसेज उनका रीड कर दिया जाए, मीनू रावत जी का। वो बोल रहे हैं जी, पर पिता का किरदार बहुत अतुलनीय था, हम आप सबके प्रति व्यक्त करते हैं, सबका अभिनय अतुलनीय था, रामायण देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कल हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं। ये मैसेज है मीनू रावत जी का। थैंक यू सो मच। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 34 इयर्स पहले और आज अगर मैं एक तरह से ये भी बोलना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है जो भी हुआ वो कभी कभी है ना हम लोग सोचते हैं कि अच्छे के लिए होता है, हम हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन अफकोर्स ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो कोरोना चल रहा है ये कोविड चल रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो नहीं बोल रहा, लेकिन रामायण दोबारा टेलीकास्ट हुआ उसके वजह से। और सच बताऊं तो रामायण हम लोग भी जब हम काम करते थे तब हम वो अच्छे से देख नहीं पाते थे, तो ये जब लॉकडाउन के वजह से हम लोग ने मैंने मतलब डिटेल में मैंने रामायण देखी, मुझे भी पता चला अच्छा ये रामायण में ऐसा है ये ऐसा है, ये डायलॉग्स हैं, इतने टची लाइंस हैं, इतनी टची इतने सीन्स हैं, गाना जो भी है उसमें जो भी चौपाई जो भी है हम लोग इतनी अच्छी से आराम से ध्यान से मैं उसको सुना मैंने, तभी मुझे पता चला कि हाँ रामायण लोगों को अच्छी क्यों लगती है। उसका रीजन यही है कि वो एक टची है सब्जेक्ट है, सबका मतलब सबको लेके चलने वाला सब्जेक्ट है। आप कभी भी रामायण देखो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये देख चुके हैं, क्योंकि आपको हमेशा वो फ्रेश लगेगी रामायण, क्योंकि अपनी कहानी है सबकी। तो वो उसके वजह से ये रामायण आने के बाद वो पॉपुलरिटी ज्यादा बढ़ गई लॉकडाउन के वजह से हम सबके लिए। सर उसमें एक जो किरदार था हम पूछना चाहेंगे सर, हमारे मन में तीव्र उत्कंठा है, ललिता पवार जी का, जिन्होंने रामायण धारावाहिक में मंथरा किरदार निभाया था, पूरे रामायण लोग कहते हैं कि उन्हीं की वजह से पूरे रामायण हुए, उन्होंने ही माता कैकेयी का मतलब दिमाग को विषाक्त कर दिया, जहर घोल दिया, जहर भर दिया और फिर कैकेयी जी ने इतना बड़ा सर्वनाश करवा दिया कैकेयी माता ने, और फिर कहीं ना कहीं आप और संजय जोग जी यानी कि आप समीर जी और संजय जोग जी भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आए, और फिर आपको सारी सच्चाई का पता चला, उनके मनसा के द्वारा रचे गए सारे कुचक्रों षड्यंत्रों का पता चला, आप इस चीज से परिचित हुए वाकिफ हुए, और फिर उसको प्रसारित करने का जो दृश्य जो फिल्माया गया था आपने इनको सपवार जी को मारा, और इसके पहले भी रामानंद सागर जी की जो फिल्म बनी थी बड़ी अद्भुत फिल्म बनी थी ललकार, उसमें भी उनकी जो बड़ी जबरदस्त फाइट थी कुमकुम जी के साथ, जिसमें वो जापानी वो जासूस का के साथ मिली हुई थी एजेंट होती है, और बड़ा ही सीढ़ी के पास बड़ा ही जबरदस्त फाइटिंग होता है, और फिर वो साइनाइड का कैप्सूल खा लेके अपने आप को मर जाती है, और पुरानी फिल्मों में बड़ी खलनायिका का किरदार निभाती थी खलनायिका का, तो उनके साथ बॉन्डिंग कैसा था सेट पर, कैसा वो कैसे उद्देश्य फिल्माया गया आपके साथ? मैंने मैंने बताया ना कि मेरे लिए रामायण यानी कि सब बंजे हुए कलाकार, जयश्री जी, जयश्री गडकर जी, पद्मा खन्ना जी, फिर ललिता पवार जी, रजनी बाला, और रजनी बाला का तो मैं अच्छी तरह से जानता था, हमारे फैमिली रिलेशन है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्म्स की थी और डैडी ने बहुत सारी फिल्म्स लिखते भी थे, डायरेक्ट भी मेरे डैडी करते थे, तो वो अच्छी तरह से जानती थी उनको, तो उनके साथ थोड़ा कंफर्ट लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन बाद में ये जयश्री जी है, फिर बाल धुरी जी हैं, ये अपने दारा जी हैं, तो ये सब मेरे लिए मतलब बहुत सब सबके नाम थे अपनी अपनी जगह पे, सबने अपने अपने मतलब अच्छे से अपना नाम कमाया। लेकिन जब मैं पहली बार ललिता जी को मैंने देखा तो, और
मतलब उनको हमेशा वो एक रिस्पेक्ट तो बनी ही रहती है, क्योंकि इतनी सारी फिल्मों में उनको देखते हैं हम लोग, तो देख के बड़े होते हैं। मुझे तभी भी ऐसा लगता था कि ये कैसे, मतलब कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। और जब भी मुझे पता चला कि ये एक सीन है, जो सागर साहब ने मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है, तो मेरे सच्ची मैं सच्ची बताऊं मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैं बोला मैं ये सीन कैसे करूंगा। तो मैंने, और सागर साहब ने वो देख लिया मेरे चेहरे का वो, तो बोला क्या हुआ। तो मैं बोला सर वो ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर उनको कुछ हो गया तो, और लग गया तो वो मुझे डांटेंगी कुछ। बोला कुछ नहीं होता, तू इधर आ। और वो ललिता जी के साथ में मुझे उन्होंने मतलब बिठाया, तू बैठ, तुम लोग दोनों आपस में, मतलब ललिता जी को बोला कि ऐसा ऐसा सीन है। तो बेचारे ने मतलब उन्होंने, अरे तू तो मेरा बेटा है, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हम लोग एक्टर है, हम भूल जाते हैं कि तू समीर है और मैं ललिता पवार हूँ। मैं ये भूल जा, हम तू कौन सा किरदार क्या कर रहा है, तेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। बोले कि अगर तेरी लाइफ में कोई ऐसा करेगा तू उसको मारेगा कि नहीं मारेगा। मैं बोला 100% मारूंगा। बोला कि कोई किसी ने आपके साथ में ऐसा किया होगा तो आप मारोगे ना। मैं बोला 100% मेरा हाथ उड़ जाएगा। फिर मुझे संजय संजय था उधर, संजू ने बोला कि समीर यार तू, उसने भी पता चल गया उसको भी कि यार मैं, बोला संजू यार मैं बहुत डरता हूँ ये सीन करने में। तो बोलता कुछ नहीं होता है। मैं बोला नहीं यार ऐसा है, उनको धक्का देना था मुझे, बाल पकड़ के धक्का देना था। मैं बोला अगर कहीं लग गया तो 100% मुझे मारेंगे। बोले नहीं मुझे, मैं बोला नहीं यार संजू मैं नहीं कर सकता। फिर वो सब मिले चारों जन, मैं पापा जी ललिता जी हम लोग मिले बैठे। तो ललिता जी ने मुझे बोला तू काहे को टेंशन देता है, तू मत फिक्र कर, तू मेरा बेटा है, तू करेगा नहीं। मैंने बहुत समझाया उसने कि तू ऐसा करेगा कि किसी को भी कोई भी मार सकता है, अगर तेरी जगह पे मैं हूं तो मैं भी। मैं फिर बोला सर वो, सागर साहब ने बोला देख जितने लाइन से जितनी लाइन से तेरी वन टेक में करना है, अगर जहां पे भी वो गिरेगी तो वहां पे उनको गिरने देना, तू तेरी लाइन्स बोलना। और हाथ में डंडा पकड़ा दिया ऊपर से। मैं बोला यार अगर कहीं इनको लग गया तो मेरे, फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो मतलब वो जैसे ही वो मतलब रियल सर के टाइम मैंने एक बार रियल सर किया और मैं थोड़ा सा डर डर के किया। फिर मैं बोला कि सर वो, पापा जी बोले यार टेक करता हूँ मैं यार समीर देख अभी एकदम परफेक्ट है। मतलब अच्छा, मैंने पता नहीं मेरे इसमें क्या आ गया, मैंने पूरे वो लाइंस बराबर मुझे तो याद थी, मैंने पकड़ के जो धक्का दिया उनको और जो वो मतलब इतना मतलब नेचुरल आया, मतलब मैं उसको मतलब मारूंगा कभी अपने हिसाब से, मैंने डंडा उठा लिया मारूंगा ये वो करके वो वन टेक में उन्होंने किया। और वो खुद इतनी खुश हो गई, वो गिरे सब लोग खुश हो गए सेट पे, उन्होंने तालियां बजाई कि यार ये अच्छा सीन हो गया। और मेरे हाथ पर आप बिलीव नहीं करोगे मैं ऐसे ऐसे कांप रहा था सीन में। फिर लकीली उनको कुछ हुआ नहीं, उनको थोड़ा बहुत हुआ भी होगा शायद, उनके बाल बाल मतलब मैंने खींचे उनको ठीक है तो उनको थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, वो इतनी स्पोर्टिंग थी, इतनी स्पोर्टिंग थी कि उन्होंने उफ तक नहीं की। बोला और मतलब इतना अच्छा सीन हो गया और वो भी बहुत खुश हुए। और उनको एक दूसरा, उनका एक ऐसा है कि उनका एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि वो जब हम लोग वापस राम जी वापस वनवास से वापस अयोध्या आते हैं तो सब लोग ने मतलब वो दिए जलाते हैं पूरे, उसमें दिए जले हुए हैं और दिए का पूरा सीन है। और उनको इतना गुस्सा आता है कि ये दिए क्यों जलाए, और वो उन्होंने क्या किया अपने पैरों से वो सब दिए को मतलब लात मार रही हैं बुझा रही हैं। आप बिलीव नहीं करोगे उनको इतने पैरों में छाले पड़ गए, इतना वो सब वो मिट्टी का वो जो होता है दिया वो उनको पैर में लगा, पैर में से खून आने लगा, वो इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए उनके वो जो जलने के, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। जितना जितनी बार उनको जो वो टेक लेना था सीन करना था पूरा मतलब इतनी अच्छी से अच्छे से किया उन्होंने, मतलब हैट्स ऑफ। वैसे मतलब एक्टर शायद अभी होंगे अभी, मतलब इतने अच्छे डाउन टू अर्थ वो सीन में, मतलब वो सीन को पूरी तरह से उसमें घुस जाते थे। और मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं 1000% अपने सीन में क्या सीन था एकदम घुस जाते थे अंदर। इतने प्यारे एक्टर और इतने प्यारा नेचर ललिता जी का, बहुत अच्छे बहुत अच्छा। और मैं तो बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उनके पास से काम करने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, वो बैठे थे बात करते थे मैं जाके बैठता था उनके पास, और वो हमेशा अपने अपने जो जो अपनी फिल्मों के जो इंसिडेंट थे बताते थे और हमेशा बोलते थे बेटा हमेशा डाउन टू अर्थ टेंटम्स रखना नहीं लाइफ में, इससे कुछ नहीं होता। ये जो हमारी जो लोकप्रियता है ना वो कुछ क्षणों के लिए ही होती है,
वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी, लेकिन जब तक है तब तक डाउन टू अर्थ हमेशा सबके साथ में अच्छी तरह से, और बहुत कुछ बड़े बड़े लोगों से, मतलब अच्छे अच्छे लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला, एंड थैंक्स टू रामायण एंड महाभारत। सर हम आपकी एक फिल्म के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो गुजराती फिल्म थी, देश रे या दादा परदेश, जो परदेश जो है, राइट राइट राइट, अरोमा मलिक जी थी, पिंकी पारिक जी थी, तो वो फिल्म आपके लिए कितनी सफल साबित? वो अगेन वो देश रे जो है दादा परदेश जो है, जो हमारे गुजरात के जो गोविंद भाई पटेल हैं, वो टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, अभी है नहीं वो, लेकिन वो भी उनका इतना नाम था, तो और उनके साथ में काम करना मतलब, और इतने सारे कलाकार थे, और मैंने जब सबसे मेरी वो पहली फिल्म थी देश जो है दादा परदेश जो है, तो मैं पहली बार उनके साथ में काम कर रहा था, तो मुझे बहुत बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि समीर ये जो प्रोड्यूसर हैं और ये जो डायरेक्टर है गोविंद भाई पटेल, संभालना थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तू इतनी मस्तियां करता है ना सेट पे, तू इतनी सेट पे मैं पहले दिन पहुंचा तब मुझे बताया कि तू इतनी मस्ती करता है सेट पे, तो वो जरा संभाल के करना, इनको अच्छा नहीं लगता और थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो मैं मुझे डर लगा, मैं बोला यार मेरी तो आदत है यार, वो आदत कैसे छूटेगी, मस्ती सेट पे तो करते रहता हूँ, तो मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि जितने मेरे सीन्स होते हैं ना मैं सब ले लेता हूँ एक साथ, तो मैं वो हमेशा बैठा हूँ तो मैं वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मैं होमवर्क मेरा एकदम परफेक्ट होता है, और सेट पे होमवर्क किए बिना मैं जाता नहीं, और बाकी सब लोग वो सीन कर रहे हैं कि किसी के हाथ में वो डायलस कॉपी है ये, और मैं मस्ती पर मैं सेट पर पहुंचा तो चुपचाप ऐसा बैठा रहा, तो उन्होंने देखा मुझे कि यार समीर तू क्यों इतना चुप चुप बैठा है, बोला कुछ हुआ है, मैं बोला नहीं नहीं, बोला कि मैं बोला सर ये मेरा फर्स्ट दिन है ना तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि, बोला नहीं नहीं कोई फर्स्ट फर्स्ट दिन नहीं, आप जो बिंदास बोलना है बोल, एंड ये तेरा घर ही समझ के हम लोग काम साथ में करेंगे ये वो, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे दूसरे दिन से मैं इतनी मस्तियां करने लगा, क्योंकि डायलॉग्स तो मैंने बोला ना कि मैंने हमेशा मैं होमवर्क करके ही सेट पे जाता था, तो मेरी आदत है कि मैं होमवर्क करके जाऊँ ताकि उसके लिए कोई मुझे टोके नहीं, काम के लिए मैं हो सके उतना मतलब मेरा काम के लिए मैं परफेक्शन मेरा होना चाहिए, तो मैं फिर वो मेरी डर मेरा जितनी भी मेरे 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 में डर होता था ना वो निकल जाता, क्योंकि मैं काम के मैं तुरंत ही जैसे ही हम लोग रिहर्सल्स करते थे और मैं सुनता था वेरी अटेंटिव ऑन द सेट्स, क्या बोलते हैं डायरेक्टर सब करके जो उनको चाहिए वो उस हिसाब से करता, लेकिन जैसे ही कट होता था तो फिर से मेरी मस्तियां शुरू हो जाती, तो उनके साथ में भी काम करना, और ये उन जब यो हितेन मेहता है वो भी टॉप के सुपरस्टार, रोमा माणिक जी, फिर ये अरविंद भाई, अरविंद त्रिवेदी जी, तो इन सबके साथ में भी गुजराती में काम करने का इतना मतलब इतना मजा आया, इतना अच्छा मौका मुझे मिला उनके साथ में काम करने को, उसके बाद में तो मैंने गोविंद भाई की मतलब बहुत सारी फिल्म्स की साथ में, और बहुत मजा आता था, वो एक अलग सा वो एटमोसफियर रहता था गुजरात का भी, और बहुत मजा आता था उसमें भी, बहुत सारे एक्टर्स थे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत थे, बहुत मजा आता था। सर एक प्रश्न मेरे मन में उठा है, कौशल भाई भी ये चीज पूछना चाह रहे थे सर, एक बेहद शानदार अभिनेता विलास राज जिन्होंने रामायण में लवणासुर का किरदार निभाया था, बाद में श्री कृष्णा में उन्होंने कंस का किरदार निभाया, अब तो उस दुनिया में जीवित नहीं है, तो सर उनके साथ जो आपका जो फाइट सीन था, वो अपने महल नहीं जा पाए त्रिशूल लाने के लिए भगवान शिव का, आपने उनको रास्ते में रोक लिया और फिर एक युद्ध चली, बैटल हुआ, फिर आपने उनको परास्त किया, फिर उनका वध किया, तो विलास राज के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा था सर? एक बार फिर से वो पूछेंगे, वो मेरे समझ में नहीं है आपका, थोड़ा कट हो रहा है। विलास राज एक बेहद ही शानदार अभिनेता, इन्होंने रामायण धारावाहिक में लवणासुर का किरदार निभाया था, लवणासुर का। हेलो, आपका वीडियो अटक रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। आ रहे हैं सर। हेलो, हम जानना चाहते हैं हेलो एक्सपीरियंस विद विलास राज। हेलो, अब आ रही है सर, हमारी आवाज आ रही है सर? बोलिए। हाँ सर, लवणासुर का किरदार निभा, आपका वीडियो अटक गया है, अब आ रही है सर? हेलो
हेलो। हेलो सर, आप जानना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विलास राज्य के साथ काम करने का। हेलो 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 नहीं सर। आ रही आवाज आपकी। हाँ बोलिए। हेलो सर विलास राज के साथ आपका कैसा रहा एक्टिंग सर? विलास राज के साथ कैसा बॉन्डिंग रहा आपका? आपकी वीडियो अटक रही है ना, उसे हिसाब से वो बोलो लाइंस क्लियर नहीं हो रही, कट हो रहे हैं आपका, तो सर आवाज कट हो रही दोबारा है। दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए सर, दोबारा कनेक्ट कीजिए, दोबारा कनेक्ट कीजिए सर, दोबारा कनेक्ट कीजिए। हाँ हाँ अभी हेलो, बोलिए हाँ बोलिए आ रही हमारी बोलिए। आवाज ना, हमारी आवाज आ रही है ना सर आपका? हेलो 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 मेरी हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ आपकी आवाज, आपकी आवाज हम तक आ रही है सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सर, योर वॉइस इज ऑडिबल सर। आवाज कट हो रही है आपकी, आवाज आपका वीडियो भी अटक गया है। हेलो, तो कौशल इनको कहो कि फिर दोबारा डिसकनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट करें। हाँ रुकिए रुकिए, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। तो कौशल हम लोग काफी अच्छे मोड़ पर पहुंच गए हैं और बड़ा ही शानदार है, क्या बताएं, मतलब बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। पूनम सेठी के बारे में बातचीत की हमने, अरुण गोविल के बारे में बातचीत की, पापा जी के बारे में बातचीत की, इनके धारावाहिक के बारे में बातचीत की, और संजय योग जो के बारे में बातचीत की, तुमने गुजराती फिल्मों के बारे में बातचीत, ललिता पवार का हमने प्रसंग छेड़ा, और हम लोग काफी अद्भुत मोड़ पर हम लोग आ गए हैं उनसे बातचीत करते करते। जी सर आप हमें सुन पा रहे हैं ना जी सर? आप हमें सुन हाँ पा रहे हैं ना सर? जी जी सर विलास राज एक बेहद ही शानदार अभिनेता, मराठी थिएटर के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, जिन्होंने एक रामायण में मिनट, लवनासुर का किरदार फिर से निभाया था। आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है, आवाज सर भी अब हमारी वीडियो आ रही है सर, हमारी वीडियो आ रही है, हमारी वीडियो आ रही है हेलो। सर, हम दिखाई पड़ रहे हैं सर आपको, हम दिखाई पड़ रहे हैं सर आपको, हेलो हम दिखाई पड़ रहे हैं सर आपको। एक अर्जुन मिनट, एक भैया, मिनट रुक अभी जाते हैं मेरा कौशल में। हाँ एक सवाल है कि मतलब इस लाइव को क्या यही समेटा जाए कि हम सेकंड पार्ट फिर लेकर आए इसका ही। नहीं, कुछ 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 प्रश्न हम लोग पूछ लेते हैं, देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जहां तक हम लोग, कुछ प्रश्न मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं, काफी जिज्ञासा का भाव रहा है हमेशा से, 35 सालों से, तो हम नहीं चाहेंगे कि उन चीज को आज हम लोग बिल्कुल अधूरा छोड़ दें, और हमारे दर्शक भी उनसे बिल्कुल लाइव जुड़े हुए हैं। जी जी समीर हेलो। हाँ सर आप हमें सुन पा रहे हैं ना? समीर सर हाँ यस आप हमें, यस सर हम लवनासुर के बारे में बातचीत करना चाह रहे थे, जिनसे आपका एक महाभयानक संग्राम होता है रामायण के जी जी धारावाहिक में, जिसका किरदार विलास जी राज ने निभाया था, विलास राज ने ना, तो राइट बाद राइट में उन्होंने यस श्री यस कृष्णा धारावाहिक में, पापा जी के श्री कृष्णा धारावाहिक में उन्होंने कंस का भी किरदार निभाया था। तो कंस का विलास भी राज किया के था साथ, यस। हाँ विलास राज के साथ एक बड़ा ही जबरदस्त महासंग्राम, एक महासमर हुआ था, उनके पास हाँ भगवान जी शिव हाँ का दिया हुआ एक अद्भुत त्रिशूल था, और अद्भुत आपने उनको त्रिशूल रास्ते में इनको घेर, हाँ आपने इनको रास्ते में घेर लिया, महल पहुंचने नहीं दिया, हाँ। और एक महाभयानक युद्ध हुआ। तो विलास राज के साथ कैसी बॉन्डिंग थी आपकी सर सेठ पर? हाँ विलास जी भी एक, मैंने बताया ना, वो भी एक उनकी जो बॉन्डिंग उनके साथ में थी, वो भी एक मराठी स्टेज से, मराठी फिल्म से जुड़े हुए थे, और जी उनका जिन्होंने उनकी पत्नी का किरदार किया था, वो भी रियल लाइफ में भी उनकी पत्नी शमा जी जी, हाँ शमा तो वो भी जी उनकी वाइफ है। तो और वो मतलब मैंने बताया ना कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने जिन जिन लोगों के साथ में काम किया है वो बड़े ही मतलब डाउन टू अर्थ है। और मैंने बताया ना, मैं तो उस टाइम बहुत ही नया था, मुझे बहुत इन लोगों के साथ में मैं कैसे बात करूंगा, उनका बिहेवियर कैसे जी होगा, हमेशा हमें हमारे दिल में ये, हम ये सोच के चलते हैं ना कि ये इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े स्टार हैं, मराठी के हैं, और मराठी स्टेज पे भी उनका नाम है, तो मैं बोला ये कैसे होंगे, इनसे मैं कैसे बात करूंगा, वो मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे नहीं करेंगे, मुझे बहुत डर लगता था इन सब से जल्दी से बात करना। लेकिन उन्होंने भी, जब उनको पता चला कि भाई हमारे साथ में हमारा सीन है, तो वो हमेशा शाम के टाइम हमेशा हम लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, वो अपनी बातें बताते थे मुझे, मराठी स्टेज के बारे में बताते थे, और मैं बताता था कि मैं कैसे इसमें आया, क्या था मेरी विक्रम बेताल, तो उनको भी पता था, वो भी डैडी को जानते थे, तो
मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो बड़े कलाकार, मैं अभी भी यही फील करता हूँ, अभी भी यही बोलता हूँ, जितने पुराने एक्टर्स हैं, हम लोग बोलते हैं ना पुराने चावल, तो वो जितने पुराने एक्टर हैं, जितने पुराने एक्टर अपने अपना मतलब जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अपना अपना अच्छी मुझे इन लोगों के साथ में काम करना, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, इतने अच्छे लोग मुझे मिले, इतने अच्छे प्यारे लोग मिले, और फिर वो धीरे 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 उन्होंने मेरा जो एक डर था, एक मैं थोड़ा कॉन्शियस रहता था इनके साथ में कैसे काम करूंगा, उन्होंने वो डर भी मेरा निकाल दिया, कॉन्शियस मेरा था वो, मैं फिर सबके साथ में घुल मिलता था, बैठता था उनके साथ में, चाय नाश्ता हम लोग साथ में खाना खाने जाते थे, ये सब हमारा चलते रहता था, तो धीरे 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 उनसे भी एक अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया, और हम लोग ने सीन हमारा साथ में था, तो हम लोग ने तो डायलॉग्स भी बैठ के हम लोग ने रीड कर रहे थे, ताकि वो जल्दी से वो हम लोग वो सीन दे पाए और जल्दी से हमारा सीन हो जाए, और वो सीन भी ऐसा था कि लोगों को वो भी बहुत काफी पसंद आया था वो सीन भी, और जी वो सीन में वो सीन में ऐसा था कि वो मुझे रोकने के लिए हर जगह पे उन्होंने जगह जगह पे उन्होंने ब्लास्टिंग किया था, करवा रहे थे कि वो ताकि वो मैं उन तक ना पहुंच पाऊं, और अब तभी ऐसा था कि वो बोले वो ढूंढ रहे थे वहां पे कि भाई कोई डुप्लीकेट यूज करेंगे क्योंकि ब्लास्टिंग है, और बाकी बहुत सब लोग ने बोला कि समीर ये ब्लास्टिंग है तो जरा संभालना, हम लोग डुप्लीकेट यूज करें क्या, और पापा जी ने मुझे पूछा कि समीर ऐसा ऐसा सीन है, तो मैं बोला सर नहीं मैं ही करूंगा ये सीन, तो वो विलास जी ने मुझे बोला कि देख समीर संभालना, ब्लास्टिंग का मामला है, कहीं कुछ लग गया तो, बोला नहीं नहीं मुझे करना है, क्योंकि मुझे वो अभी भी बहुत शौक है, मैं बहुत ही ये सब मुझे चीजों का शौक है, तो मैं बोला नहीं यार मुझे, मैं और अरुण जी ने भी मुझे बोला, फिर सुनील भी था मेरे साथ, तो ये संजय भी, वो बोला कि देख समीर, उन्होंने भी समझाया कि तू बहुत सोच समझ के कर, क्योंकि ये जब सीन्स होते हैं ना पता नहीं चलता है क्या कभी लग जाता है, पता ही नहीं चलेगा, तो बोला नहीं मैं ध्यान रखूंगा, और क्या प्रॉब्लम ये भी था ना कि वो घोड़ा भी साथ में था, तो घोड़ा रथ पे था मैं, और तो वो क्या ना कभी कभी घोड़ा जैसे ही ब्लास्ट होता था ना तो घोड़ा भिदक जाता था, वो डर जाता था और पूरा इधर उधर हो जाता था, तो मैं अपने आप को, क्योंकि या तो वो ब्लास्टिंग तो उसके हिसाब से मुझे चोट लग सकती, या तो मैं रथ के ऊपर से नीचे गिरूं तो मुझे चोट लग सकती, क्योंकि घोड़ा भागता था, फिर वो इधर उधर भागता था, फिर भी मैंने वो सीन किया और अच्छे से वो सीन हुआ, तो मुझे बहुत मजा आया वो सीन करने में भी मजा आया, और सब लोग ने तभी भी मेरी तारीफ की के अरे यार तू तो अपना सीन सब करता है, ये सब डेंजरस सीन है वो तू करता है, मुझे आदत है पहले से, तो मैं बहुत ही ये सब सीन्स पहले भी मैंने राजस्थानी फिल्मों में भी किया है, ये सब खुद ज्यादातर डुप्लीकेट यूज नहीं करता था, और मैं कर लेता था फाइट्स वाइट्स में कर लेता था जो भी था। सर एक चीज बताया आपने सर कि लवनासुर के सीन में जब वो युद्ध का सीन चल रहा था, युद्ध का जब दृश्य फिल्माया जा रहा था आपके ऊपर में, तो कुछ विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया गया था, आपको लोगों ने कहा कि डुप्लीकेट का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, तो किस तरह की विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया था ब्लास्टिंग के लिए सर? वो एक्चुअली इतनी हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन वो आपको वो जो दिखाना पड़ता है ना जो ब्लास्ट हुई है पूरी, तो वो थोड़ा सा डेंजरस इसलिए था कि शायद अगर उसके ऊपर कोई पत्थर मान लो आ गया या कुछ ऐसा हो गया तो पत्थर सर पे लग सकता है, टकरा के लग सकता है, तो ऐसे बहुत सारे, या तो कुछ वो जो ब्लास्टिंग का जो मटेरियल यूज करते थे जिसके वजह से ब्लास्ट होती थी, तो वो शायद वो आके अपने बॉडी पे आके गिरता था, या अंगार आके कहीं लग गया आपको, या आपको जलने के लिए भी बहुत सारे चांसेस थे उसमें, क्योंकि अगर बचाया नहीं अपने आप को तो हम जल भी सकते हैं उसमें, क्योंकि थोड़ा डेंजरस था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया वो सीन करने में, और फिर भी इतने सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ में वहां पे फाइट मास्टर जी खड़े थे, वहां पे सब खड़े थे, पापा जी थे वो भी बेचारे चिंतित थे, बहुत सारे लोग थे सेट पे के ध्यान रखने में, जो जैसे ही कुछ होता था तो वो जाके बुझा देते थे उसको, और बहुत ही केयर किया, और मैंने मुझे इतनी अच्छी तरह से सब संभालते थे वो, केयर किया, और फाइट मास्टर्स मैंने बताया ना फाइट मास्टर्स थे, सब लोग थे, और सब लोग ने मुझे इतना मेरा इतना ध्यान रख के फिर मैंने वो सीन कंप्लीट किया, सर रामायण रामायण ध्यान के तो बाद बहुत एक रखते हैं। बहुत हाँ
रामायण के बाद एक बहुत बड़े धारावाहिक में आपने काम किया सर, महाभारत, उसमें आपने मत्स्य देश के जो राजा विराट के पुत्र उत्तर का किरदार निभाया, और फिरोज खान यानी अर्जुन के साथ क्या बॉन्डिंग थी आपकी, रथ पर जा रहे हैं और फिर मतलब आप रथ से मतलब उछल करके कूद करके भागने लगे। हेलो, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल, कौशल हम लोग मोड़ पे आ गए हैं, वो उत्तर वाला किरदार, फिरोज खान वाला वो किरदार जिसमें अर्जुन का इन्होंने 10 नाम पूछा था कि तुम अगर तुम ही अर्जुन हो तो अर्जुन के वो 10 नाम बताओ। तो बड़ा ही अद्भुत आनंद आ रहा है उनसे बातचीत करके, हम तो हमें तो लग रहा है कि ये बातों का सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। जी, तो समीर सर, हम राजकुमार उत्तर के बारे में बातचीत कर रहे थे, रामायण के अलावा जो बहुत बड़ी धारावाहिक में जो आपने काम किया वो बीआर चोपड़ा की महाभारत थी, जिसमें आपने मत्स्य देश के राजा विराट के सुपुत्र उत्तर का किरदार निभाया, राजकुमार उत्तर का किरदार निभाया, और आपके पिता जो है वो सुसरमा से युद्ध करने में व्यस्त थे, और इधर आपको जो है जाना पड़ा कुरु सेनाओं से युद्ध करने के लिए, क्योंकि आपके देश जो है आपके राज्य के जो है गौओं का उन्होंने अपहरण कर लिया था, गौधन का अपहरण कर लिया था, और आप फिरोज खान जो कि उस धारावाहिक में उन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था, और वो विराट नगर में बिरला के रूप में छिप करके, किन्नर के रूप में छिप करके रहे थे, और वो आपके सारथी बनने तैयार हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं युद्ध भूमि में और उन कुरु सेनाओं को देख करके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जयद्रथ कर्ण दुर्योधन दुशासन शकुनी को देख करके आप प्लानवादी सिद्धांत को अपना करके भागने लगते हैं। हाँ, फिर अर्जुन आपको पकड़ करके लाते हैं और फिर आप बोलते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं कि वो अर्जुन है, तो फिर आप अपने जिज्ञासा को हटाने के लिए, शांत करने के लिए आप अर्जुन का 10 नाम पूछते हैं, और फिर फिरोज खान अर्जुन का 10 नाम बताते हैं, अर्जुन सभ्यसाची श्वेत वाहन धनंजय विजय विभत्सु जिष्णु कृष्ण फाल्गुन कृति। सर चले गए, कोई बात नहीं, अभी आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में स्टक कर रहे हैं कौशल भाई, तो मैं सोचता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस का एक बार में शायद नहीं समेट पाएंगे फिर भी ये वाला पोर्शन मुझे समेटना है भाई। तो सर, हाँ तो सर, वो जो फाइट सीन हुआ विराट का, जो युद्ध हुआ, तो वो कैसा कैसा अनुभव रहा फिरोज खान के साथ, उस सेट पर कैसा अनुभव रहा था? एक मिनट सर। तो कौशल भाई, ये क्वेश्चंस बहुत सही था ना, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसको, ये क्वेश्चंस हम जरूर सर से रेज करेंगे, क्वेश्चन ट्रिगर करेंगे, पूछेंगे। यस यस, क्योंकि जो ये सवाल चल रहा है वो मेरे फेवरेट जो है, फिरोज खान साहब जी मेरे फेवरेट है मेरे फेवरेट है भाई। तो ये क्या सवाल था एक बार और? हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट करना चाहूंगा सर, आप मत्स्य देश के जो राजा विराट के सुपुत्र बने हैं उत्तर, और आपके पिता एक युद्ध में सम्मिलित हो चुके हैं, और आपको कुरु सेनाओं के विरुद्ध में युद्ध लड़ना है, जहां पर भीष्म पितामह द्रोण कृपाचार्य दुर्योधन आपके नगर के जो है गौओं का अपहरण करके ले जा चुके हैं, और आप फिरोज खान अर्जुन के साथ उस युद्ध भूमि में जाते हैं, और फिर अर्जुन से आप पूछते हैं कि तुम कौन हो बिरला को, तो फिर वो पूछते हैं कि मैं अर्जुन हूं, तो आपको विश्वास नहीं होता, फिर बोलते हैं अगर तुम ही अर्जुन हो तो अर्जुन के 10 नाम बताओ, तो फिर फिरोज खान जो कि अर्जुन के किरदार में उन्होंने आपको 10 नाम बताया कि मेरा नाम धनंजय अर्जुन विभत्सु जिष्णु कृष्ण फाल्गुन कृति जिष्णु श्वेत वाहन धनंजय विजय सभ्यसाची। तो उसके बाद एक महाभयानक समर होता है कुरु सेनाओं के साथ, तो कैसा वो सीन फिल्माया गया और कैसी बॉन्डिंग रही फिरोज खान के साथ, कैसा अनुभव रहा सेट पर सर आपका? ये एक्चुअली ये सीन हम लोग ने यहाँ पे गोरेगांव में एक जमुरी मैदान करके एक है, तो वो एक्चुअली वहां पे ऐसा था कि हम लोग गए थे और मुझे वो डर के मारे मैं भाग जाता हूँ, तो मुझे उठा के वो रथ पे बिठा देते हैं, बोला अब तुम मेरे सारथी बन और मैं तेरे बदले मैं लड़ता हूँ। तो बहुत ही फ्रेंकली स्पीकिंग और हम लोग ने ये सब मतलब रथ चलाना ये सब मुझे आता नहीं था, तो मैंने वो रवि जी थे तो मैंने रवि जी को बताया, मतलब सर ये मुझे रथ चलाना आता है नहीं, तो मैं बोला सर मैं अभी तो टाइम है थोड़ा सीन में, तो क्या मैं ये प्रैक्टिस कर सकता हूँ चलाने में, तो बोला हाँ करना। तो उन्होंने बुलाया वो रथ वाले को जो घोड़ा था उसका जिसका, तो बोला तो फिर मुझे बोला कि नहीं हम लोग काम करते हैं तेरा डुप्लीकेट यूज कर ले क्या, बोला नहीं सर डुप्लीकेट नहीं मत यूज करिए मैं खुद चलाऊंगा, तो मुझे बोला चला लेगा, मैं बोला मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे से नहीं बन पाया तो मैं बोलूंगा कि आप डुप्लीकेट यूज कर लीजिए। फिर मैंने वो टाइम था उसमें थोड़ा सीन का थोड़ा टाइम था, वो अरेंजमेंट कर रहे थे उसमें टाइम था, तो मैं
पूरा मतलब वो चला ना, वो जो जिसका एक्चुअल जिसका वो था, तो वो मैंने बोला यार तू मेरे को सिखा दे, मतलब कैसे क्या करना, कैसे रुकाना, क्या भागना, कैसे भागना, घोड़े को कैसे भगाना। तो मैंने वो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब वो 1 घंटा मैं वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था रथ चलाने की, और जब तक मुझे नहीं आया तब तक मैं, फिर मैं सर रवि जी के पास गया, मैं बोला सर मैं चला लूंगा, अभी मैं चला था। बोला तू करेगा पक्का? बोला हाँ, ये यहाँ से यहाँ, वो जो भी फिर मुझे वो बता रहे थे। फिर वो अर्जुन मुझे बोला यार समीर तू चला लेगा ना, मैं ऊपर पीछे बैठा हूँ यार, मैं गिर जाऊंगा। मैं बोला सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। और वो बोला देख यार तू अगर ये घोड़े रुके नहीं ना समीर, तो बोले हम सब जाएंगे उधर सीधे उधर उस साइड गिरेंगे, और बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। और क्या है, सामने यूनिट भी बैठी थी, बोला सामने यूनिट भी बैठी थी, कैमरामैन ये वो रवि जी सब पूरी यूनिट। मैं बोला वो अर्जुन अर्जुन फिर से बोला देख समीर यार फिर से सोच ले, सामने यूनिट बैठी है, अगर किसी को कुछ हुआ तो हम सब जाएंगे एक साथ तेरी वजह से। बोला सर क्या डोंट बात वरी, मैं बराबर टाइम पे रुकवा दूंगा उसको, कुछ नहीं। फिर मैंने बोला सर आप एक बैठिए, बोला रवि जी को बोला सर मैं इनको जरा एक चक्कर घुमा के लेके आता हूँ ताकि उनको भी मेरे पे विश्वास हो। फिर वो भी बड़े जी। स्पोर्टिंग है अरुण अर्जुन जी भी, बहुत ही स्पोर्टिंग है। बोला चल चल बैठे चल। बोला तो बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ लगेगा तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। तो फिर मैंने उनको एक मतलब वो रथ पे बैठ के एक चक्कर चक्कर घुमाया, फिर थोड़ा फास्ट चलाया। तो फिर उनको जब मेरे पे कॉन्फिडेंट आ गया, फिर वो हम लोग ने वो फिल्म वो पूरी वो शॉट का कंप्लीट वो सीन कंप्लीट किया हम लोग। मैंने बताया ना कि जी मुझे ये सब सीन्स करने में बड़े बड़ा मजा आता है, ये चैलेंजिंग होता है ना तो मुझे बहुत मजा आता है करने। सर, एक एक तो प्रश्न मेरे मैंने मन में और भी उमड़ रहा था सर, एक प्रश्न कि जी जी सर हम लोग जब आपको महाभारत में आपके संवाद को सुनते हैं तो आपकी आवाज कुछ और सुनाई पड़ती है, रामायण में जब आपके जी संवाद शत्रुघ्न के रूप में सुनते हैं तो कुछ और आवाज सुनाई पड़ती है। तो हमारे मन में शुरू से कौतूहलता था, हम सोचे थे कि जब भी पूछेंगे, जब भी आपसे लाइव टॉक शो आएंगे, तो क्या रामायण में आपकी आवाज को क्या डब किया गया था सर क्या? नहीं, एक्चुअली महाभारत में मेरी आवाज डब की गई थी, अच्छा और रामायण में नहीं की थी, महाभारत में डब की गई थी। क्योंकि वो उनको हम लोग का क्या था कि वापस हम लोग तो क्या थे कि शूट करके फिर वापस डबिंग के लिए जाना वो बहुत ही मुश्किल था। तो हम लोग को मतलब वहीं के वहीं हम लोग फटाफट सर, हेलो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, तो हम छोटा सा सवाल है। तो एक मिनट, अच्छा कौशल वो सवाल ही पूछ रहे ना कि पहले डबिंग वाला बताने दो उनको। वन मिनट अर्जुन भाई, ऐसे कट करो। हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो कौशल। अच्छा इस सवाल को काटो, इसको मत पूछो। अच्छा हेलो हेलो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हेलो हेलो सर, हमारी आवाज सुनाई दे रही? हमारा एक छोटा सा सवाल है। हेलो 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 सर, हाँ अभी आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी, यम है हम। अरे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कौशल, उनके वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो डबिंग वाला क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा से कौशल ये उमड़ घुमड़ रहा कि जब हमने दोनों किरदारों को देखा, उत्तर किरदारों को देखा और उत्तरी किरदार को देखा, शत्रुघ्न किरदार को देखा, वन मिनट एक तो मिनट उसमें महाभारत में मेरी वॉइस डब थी। वहां पे राजू करके है जिन्होंने बहुत सारी फिल्म में काम भी किया है, राजू मास्टर राजू के नाम से काम किया है उन्होंने, मास्टर राजू थे वो असिस्टेंट थे, तो उन्होंने मेरी आवाज उसमें महाभारत में दी थी, मेरी आवाज दी थी। एक छोटा सा सवाल है, इस एक छोटा सा सवाल, अभी आपके कोरोना के ऊपर एक फिल्म आई थी, यम है हम। हेलो 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 सर, हम सुन पता पा, नहीं फिर चलेगा, प्रॉब्लम है शायद। अच्छा कोई बात नहीं, वो कनेक्ट होंगे। तो मतलब कौशल भाई महाभारत में इनकी आवाज को डब किया गया था, राजू मास्टर ने किया था। वन मिनट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेलो सर, हेलो हमारे यहाँ दे रही है सर। हेलो, हेलो हमारी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? हेलो हेलो।
पता नहीं आवाज का प्रॉब्लम है अर्जुन भाई, इस क्वेश्चन के बारे में हम फोन पर डिस्कस करेंगे जो भी पूछा गया था। कुछ कॉन्फिडेंशियल है क्या? नो में सर फिर चले गए, एक मिनट। हेलो सर, वापस आ रहे हैं। हाँ सॉरी। हेलो सर, हम बात कर रहे हैं आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी कोरोना के ऊपर, एम है हम। या हम एम है हम, यस यस यस। सर उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। वो हेलो उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। यस अच्छा एक दो मिनट देख लो, एक हम लोग लगभग 1 घंटे 25 मिनट के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यस यस ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन हम लोग और भी रेज करते हैं उसके बाद। इस लाइव टॉक शो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है ना? यस एक मिनट। हेलो हेलो सर, उस फिल्म के बारे में बताइए, यम है हम, उस शॉर्ट फिल्म के बारे में जो अभी आई थी आपकी कोरोना के ऊपर। हाँ, उस फिल्म के बारे में। हाँ, वो मैंने वो जब ये फर्स्ट टाइम जब ये लॉकडाउन लगा था तब वैसे तो किसी के पास काम नहीं था, सब बैठे थे और एकदम से मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया। और तभी ऐसा था कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो वो सब एक मैसेज देना था मुझे, ऑडियंस तक पहुंचाना था। तो मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि क्यों ना करूं, मतलब पब्लिक के लिए, सब जनता को कोई मैसेज दूं। तो मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि यम है हम करके एक मैसेज आया कि एक बंदा बैठा है और वो ही रामायण ये महाभारत देख रहा है, घर पे बैल बजती है, तो वो खोलता है तो पता चलता है कि बोला तू कौन है, तो बोला मैं यम हूँ और तुझे लेने आया हूँ। तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में है कि अभी धरती पे आज तेरा टॉक टाइम खत्म लेने आया हूँ। तो फर्स्ट ये मुझे अच्छा भी लगा कॉन्सेप्ट, के मैंने कुछ अच्छा सोचा, ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। तो मैंने ये मतलब कुछ 5-7 मिनट की ये जो मैंने ये फिल्म है मैंने बनाई। तो और जी जी फिर प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने ट्रिगर किए हैं सर से। सर दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो तो मैंने ये वो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया, मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। और एक मैसेज भी था लास्ट में कि आप हमेशा अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मतलब। और जो हमारे जो ये पुलिस वाले हैं, सब कर्मचारी हैं, वो देश के लिए क्या क्या करते हैं, तो हमारा भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। तो मुझे ये मैसेज देना था, लोगों तक पहुंचाना था, तो मैंने वो लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया था। तो वो मैंने वो कंसेप्ट लोगों के सामने रखा। और मेरे हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यम है हम पार्ट 2 मुझे बनानी है अभी। जी जी सर, अभी कुछ एक नया कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया है, यम है हम पार्ट 2। तो वो जी भी जी। मैंने सोचा है, वो तो चल रहा है उसका थोड़ा बहुत, तो जो लिखना वो सब चल रहा है, तो वो भी मैं बहुत जल्द लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। शायद वो भी शायद लोगों को पसंद आए। सर आज आपका जन्मोत्सव है, आज आपका जन्मदिन है सर, तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को सर, थोड़ा सा बताएं सर, कैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सर इसको आज? प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा ज्यादा। उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है या फिर फोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है? दर्शक कुछ कमेंट्स भी कौशल स्क्रीन पर फ्लैश होने दो, ठीक है ना? इस बीच में एक्चुअली जी रिपीट कीजिए। हाँ,
तो सर आज आपका जन्मदिन है, आज आपको आज आपका जन्मोत्सव है, आज के दिन इस दुनिया में आप आए थे, आपने आंखें खोली थी, तो आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ सर? एक्चुअली तो एवरी ईयर मैं यहाँ पे होता ही नहीं हूँ, मैं फेब्रुवरी, एंड ऑफ फेब्रुवरी मैं यूएसए चले जाता हूँ और ढाई महीना तक मैं वहाँ पे रहता हूँ, मई में वापस आता हूँ। तो इत्तफाकन क्या होता है कि मेरे मेरा जितना भी मेरे जितने भी पिछले 5-6 साल भी बर्थडे हैं वो अमेरिका में ही सेलिब्रेट हुए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ और ये लॉकडाउन में मैं मेरा ये जन्मदिन आया है, तो आप कहीं जा नहीं तो आ जा तो सकते नहीं, तो अभी बस आज घर पे हैं और फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। और मेरी बहुत सारी 15 बिल्लियां हैं, उनको मैं उनको भी टाइम दूंगा, उनके साथ खेलूंगा और बस ऐसे ही घर पे ही रहूंगा। आज तो फैमिली में कौन कौन है सर, फैमिली में, आपके फैमिली में फिलहाल? सर दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए, आज क्या हो रहा है भाई, ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? पता नहीं, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। वेट करते हैं, बड़े ही अद्भुत मोड़ पर हम लोग पहुंचते जा रहे हैं और प्रश्नों का सिलसिला भी चलता जा रहा है, ट्रिगर होता जा रहा है। हाँ, सर आपके फैमिली में कौन कौन है सर अभी? फिलहाल अभी तो मेरी फैमिली में मेरी एल्डर सिस्टर है जिसका जिसकी शादी हो चुकी है, मेरी मेरे से 1 साल छोटी है सिस्टर, उसी की भी उसकी भी शादी हो चुकी है। अभी फैमिली में अभी फिलहाल हम लोग 4 लोग हैं, मैं, वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, 4 लोग हैं और 15 बिल्लियां हैं। अच्छा जी, ये मेरी फैमिली है। आपके कितने बच्चे हैं सर? आपके कितने बच्चे हैं, किड्स कितने हैं सर आपके? हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर का माइक ऑफ हो गया, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है सर, मेरे के जस्ट लेफ्ट साइड में जो आपका माइक ऑफ हो गया सर, आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ, अब आप सुन पाएंगे सर। तो सर आपके कितने बच्चे हैं सर? हेलो हेलो, हाँ आप सुन पा रहे हैं सर हमें? आप हमें सुन पा रहे हैं सर? आप हमें सुन पा रहे हैं सर? हेलो 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 सर, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? आई थिंक सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, सर सुन पा रहे हैं हमें सर? आर यू एबल टू लिसन टू मी सर? आवाज क्रैक हो रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कीजिए सर। सर एक बार डिस्कनेक्ट करके, पता नहीं सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, कोई डिस्कनेक्ट करेंगे सर। हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो, सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। भैया 2-3 क्वेश्चन और पूछते हैं और फिर इसको लाइव को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब ये लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, हम लोग जो भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ना हमारे मन में, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जब इनसे दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे, दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, इनको दोबारा बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे, तब उन प्रश्नों को हम समाहित कर लेंगे, उस समय पूछ लेंगे। ठीक है, सर आ रहे हैं क्या? नहीं अभी नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, सर जैसे लिंक ज्वाइन करें इनको थोड़ा कनेक्ट करो कौशल। हेलो जी सर, हम ये पूछ रहे थे सर कि कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है और एक छोटी लड़की है। बड़ा लड़का बिजनेस में है और जो बेटी है वो शी इज एन आर्किटेक्ट।
उन्होंने आर्किटेक्चर स्टडी की है, तो शी इज नाउ एन आर्किटेक्ट। तो सर वर्तमान समय में सर अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी किन चीजों में सक्रिय हैं, किन धारावाहिकों या फिल्मों करने में, फिल्में करने में आप सक्रिय हैं सर अभी आप? मैं अभी मेरी एक एक प्रोजेक्ट है, जब वो अभी नहीं बता सकता उसके बारे में, बिकॉज मुझे थोड़ा उसके बारे में मना किया गया है बताने के। तो अच्छा, मैं बहुत जल्द होपफुली मैं वो अनाउंस कर दूंगा वो वीक 10-15 दिन में। और एक दूसरी अच्छा। मेरी एक वेब सीरीज है जो मैं नीना गुप्ता जी के साथ कर रहा हूँ मैं, तो वो एक वेब सीरीज है, तो वो कर रहा हूँ। और मेरे बस ये अभी शूटिंग भी चल रही थी, ये क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, तो ये फिर से लॉकडाउन लगा तो सब बंद हो गया काम, नो शूटिंग कुछ नहीं है। तो अभी जब होपफुली जल्दी सब खुल जाए तो और फिर से वो क्राइम मेरे मन में मेरे मन में एक प्रश्न और भी उठ रहा है सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि 4-5 सालों से आप फरवरी महीने में अमेरिका चले जाते हैं, फिर मई महीने में लौटते हैं, ये 2.5-3 महीने आप अमेरिका में यूएस में ही आप बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, तो अमेरिका किन कारणों की वजह से अमेरिका जाना पड़ता है सर आपको? मैं गुजराती प्ले कर रहा हूँ, गुजराती ड्रामा, जैसे मैंने आपको बताया गुजराती प्ले कर रहा हूँ, तो गुजराती प्ले के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। और अमेरिका में, ऑल ओवर अमेरिका में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग शोज करते हैं, और कनाडा में करते हैं, हांगकांग, मस्कत, दुबई, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मतलब हर जगह पे मैं हम लोग ने ये शोज किए हैं। तो अमेरिका में हम लोग ये शोज के लिए मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे। तो अच्छा। हम लोग जब जाते हैं तो कम से कम 45-50 शोज वहाँ पे करके आते हैं वापस। तो वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस अलग है, वहाँ पे भी जो हमारी गुजराती कम्युनिटी है उनके लोग हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मतलब जुड़ना रहता है, और बहुत एक मतलब एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें वहाँ पे, और बहुत मजा आता है क्योंकि सर हम लोग इतने बड़े धारावाहिक रामायण में आपने काम किया, महाभारत में आपने काम किया था, तो आपके अनुभव से कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए अपने दर्शकों की कैसा अनुभव रहा था इन दोनों महान कालजयी अद्भुत धारावाहिकों में काम करते थे। आज जी मैं एक्चुअली मतलब सबसे पहली बात यह है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये दोनों बड़ी बड़ी जो बड़े लोग हैं, बड़ी सीरियल है, इतनी बड़ी, बहुत, जैसे रामानंद सागर की बात की जाए तो मैंने बताया पहले कि बहुत ही इतने सारे मतलब फिल्म्स कर चुके हैं, फिर उसके बाद अभी बहुत सारी उन्होंने सीरियल्स भी उसके बाद की, और उनके उनके साथ में जुड़ना और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, मेरे लिए मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। और जैसे बीआर चोपड़ा साहब, जैसे उनका भी बड़ा नाम है और बहुत ही, वो भी बहुत ही मतलब मंझे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स रह चुके हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने भी, तो मैं तो बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये दोनों के साथ, दोनों अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ, इतने महान एक्टर्स और उनके साथ में काम करने का मुझे मौका मिला, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये दो, और दोनों अपने अपने उससे मतलब अपने अपने तरीके से बहुत दोनों अच्छे हैं, इनके साथ में भी मतलब घर जैसा रिलेशन था रामायण में भी सबके साथ, महाभारत में भी वही एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मेरे लिए तो अब मतलब बोले ना कि बहुत ही मुझे मजा आया था इन बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, बड़ी सीरियलों में काम करना, और मतलब आज तक मैं रामायण में एज अ शत्रुघ्न जाना जाता हूँ, महाभारत में उत्तर के नाम से, और ये मुकाम तक पहुंचना मतलब बहुत लोगों का एक सपना रहता है, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मुझे तुरंत ही वेरी अर्ली स्टेज मतलब वेरी अर्ली एज मेरी जो थी उसमें मुझे ये दोनों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम करने का मौका मिला। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बताया ना, दोनों अपने अपने उसमें से दोनों ग्रेट है, बहुत ही महान लोग है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने विक्रम बेताल से भी पहले दादा दादी की कहानी जो पापा जी का एक सीरियल था उसमें काम किया था क्या? हाँ जी, मैंने उसमें बहुत कम मतलब शायद 2-3 एपिसोड में ही किया था, लेकिन विक्रम बेताल मेरी पहली सीरियल थी, उसके बाद ये दादा दादी की कहानियां शुरू हुई, तो उसके साथ ही कहानियां शुरू हुई विक्रम बेताल, और पहले विक्रम बेताल शुरू हुई, उसके बाद दादा दादी की कहानियां।
तो सर हम लोग बिल्कुल समापन की तरफ बढ़ चुके हैं सर। तो अंत में सर आप श्रीदेव टीवी देखने वाले अपने सारे दर्शकों को और अपने सारे जो प्रशंसक हैं, जो फैंस हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी मैं सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक मुझे वो ये सागर साहब की जो फिल्म थी ललकार, उसमें एक गाना था, बड़ा अच्छा गाना था, आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, कोई ना जाने कब साथी छूट जाए, जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी हो। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सबसे घुल मिल के रहो, जो जो कोरोना है उसके वजह से अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, मन में भेदभाव मत रखो, यू नेवर नो के क्या होगा आगे, और सबके साथ में मिलजुल के रहो, जो भाईचारा है मतलब किसी के मतलब कोई झगड़ा नहीं, किसी के दिल में किसी के लिए कोई गिले शिकवे मत रखो, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ घर में रहो, स्टे होम स्टे सेफ, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और जो भी नियम है सरकार अपने लिए बनाती है उनका पालन करो, तो वो हमारे लिए है, आप सुरक्षित होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि यू नेवर नो क्या हो जाएगा, क्या होता है, और अभी तो जो दौर चल रहा है वो ज्यादा ही कुछ थोड़ा क्या बोले बहुत ही डेंजरस है, डेंजरस टाइप का है, मतलब हर तीसरे चौथे को हम सुनने में आता है कि इन्हें ये हो गया, इन्हें कोरोना हो गया, इन्हें वो हो गया। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ, सबके साथ में अच्छी तरह से बात करो, घुल मिल के रहो, किसी के लिए मन में भेदभाव नहीं रखो, लाइफ इज टू शॉर्ट, तो व्हाई नॉट आप एंजॉय करो, सबके लिए सबके बारे में सबके लिए अच्छा सोचो, लिव लाइफ किंग साइज बोलते हैं ना, फुलेस्ट, हंसो खेलो मौज करो, बस दैट्स इट। सर हमारी एक आपसे एक विनम्र निवेदन है सर कि भविष्य में अगर हम दोबारा आपसे बुलाना चाहें आपको अपने प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल पर, तो आप हमें जरूर वक्त दीजिएगा सर, जरूर वक्त सर अभी दे दिया, आप लिख लो आपका वक्त, जो मेरा वक्त है आपका, आप जब भी चाहे आप जब भी बुला सकते हो मुझे, एनी टाइम सर, एनी टाइम सर जी। एंड दूसरे मैं फैंस को ये बोलना चाहूंगा, आई लव यू ऑल, आप हैं तो हम लोग हैं, तो प्लीज जो अभी तक जो मुझे आप लोगों ने जो प्यार दिया है तो वो हमेशा देते रहिए, मेरे साथ में रहिए, क्या है कि आप लोग हैं मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो क्या हमें भी अच्छा काम करने का मौका मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज 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 मुझे प्यार करते रहिए, आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए मेरे पे, मेरे साथ रहिए, बस यही चाहूंगा मैं। और सर अंत में हम यही कहेंगे कि रामायण के शत्रुघ्न और महाभारत के राजकुमार उत्तर को हमारा सादर प्रणाम, और हमारा सौभाग्य है कि जो हमें जुड़ने का मौका मिला, और प्रणाम, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपका जन्मदिन आपको फिर से अनंत अनंत बधाई, अनंत अनंत शुभकामनाएं सर, आप हमेशा जीवन पर सक्रिय रहे। और मैं यही कहना चाहूंगा कौशल जी और अर्जुन जी, थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे मौका दिया, मेरे जन्मदिन के वक्त, जन्मदिन के दिन मुझे अपने फैंस से जुड़ने का मौका मिला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच, आभार आपका, आभार आपका सर, परम अनुग्रह, आपका भी, आपका भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय सर, बाय बाय।